ओके, तो इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड टिल सेक्शन 18 तक हमने हिंदू मैरिज एक्ट के क्वेश्चंस किए थे. इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 19 ऑनवर्ड्स. अब हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन का, कि अगर कोई मामला सूट फाइल करना है, आई मीन पिटीशन फाइल करनी है इनफैक्ट, इन द केस ऑफ द मैट्रिमोनियल केसेस, तो वो कहाँ फाइल होगी. ठीक है, कहाँ फाइल होगी, तो सेक्शन 19 बताता है इस बारे में. A petition in a matrimonial case has to be filed in the place where the marriage was solemnized, जहाँ पे शादी हुई थी वहाँ की जा सकती है. The place where the respondent at the time of presentation of the petition resides, ठीक है, and the place where the parties to the marriage last reside together, आखिर में वो किस जगह रहे थे, तो इनमें कहीं पे भी की जा सकती है. ठीक है, कहीं पे भी की जा सकती है. आंसर इज डी. और अभी वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा गया है, जब वुमेन रहती है, ठीक है, ये भी आप तक याद रखना. अभी हुआ है ना लेटेस्ट, जहां पे वो इन केस ऑफ द वुमेन, जब वुमेन रहती है, जनरली क्या होता है, जहां पर जो सूट फाइल करने वाला होता है, मैं सूट की बात कर रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सुइंग कहां पर पड़ा है आपने? हाँ जी, 15 to 20. सेक्शन 15 to 20 है ना, तो उसमें क्या कोई भी एक ऐसा प्रोविजन है जो ये कहता है जहां प्लेंटिव रिसाइड करता है? ऐसा कोई प्रोविजन है इन सेक्शन में से, प्लेंटिव जहां रिसाइड करता है वहां फाइल कर सकता, नहीं कर सकता. लेकिन इन द केस ऑफ पिटीशन, जहां वुमेन है, जब वुमेन रिसाइड करती है, तो वहां पे वुमेन जहां रहती है वहां कर सकती है, क्योंकि वुमेन स्पेसिफिक प्रोविजन है. ठीक है, वो चीज भी ध्यान रखना अगर ऑप्शन में आता है. इसमें था नहीं ऑप्शन में. सर इन एवरी केस, इन केस आप एक काम करना, सेक्शन 19 में सीपीसी की बात नहीं कर रहे, मैं सीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट की. सीपीसी में नहीं कर सकती. सीपीसी में तो सीपीसी कैसे पॉइंट ऑफ चलेगा, वो मैट्रिमोनियल केस है. 13 का ये है ना आपका सेक्शन 19(3) का ए, देखो एक बार. जी जी सर, सब तो पता है. हाँ, वो याद रखना, क्योंकि इसमें लिखा नहीं था. In the case the wife is a petitioner, अगर wife petitioner है, ठीक है, where she is residing on the date of the presentation of petition, उसको CPC में फायदा नहीं है, इसको सिर्फ ये matrimonial cases में फायदा मिल रहा है कि जहाँ वो रह रही है वहाँ पे भी file कर सकती है. Okay? Now the proceeding in a case shall be in the camera proceeding होती है matrimonial cases में. Answer is A, camera proceeding. मैट्रिमोनियल केसेस में, ठीक है, और ये जो मामले होते हैं रेप वाले, इसमें भी मैच कैमरा प्रोसीडिंग होती है. नाउ द पिटीशन अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हूज ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन, ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन विल, अगेन कैन नॉट बी, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं की जा सकती, कहाँ नहीं की जा सकती, मैरिज हॉल सोलेमनाइज की जा सकती है, रेस्पोंडेंट एट टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेसाइड, रेस्पोंडेंट जहाँ रहता है वहां तो की ही जा सकती है. द पार्टीज टू द मैरिज डिड नॉट लास्ट रिसाइड, डिड नॉट की जगह लास्ट रिसाइड टूगेदर होता तो ये हो जाता, ठीक, इसलिए ये अलग हो रहा है बिल्कुल. द पिटीशनर वाइफ इज रेसाइडिंग एट द टाइम, देखो ये आ गया ना वाली बात, पिटीशनर्स वाइफ, पिटीशनर अगर वो वाइफ है तो जहाँ पे वो रहती है वहां पे भी वो प्रेजेंटेशन, अपनी पिटीशन लगा सकती है. आंसर इज सी हो गया. सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, ये किसकी बात करता है, कैमरा प्रोसीडिंग की बात करता है. सेक्शन भी साथ साथ चलते चलिएगा, कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 है, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप. 23 इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके बारे में भी देख लेंगे. 22 में से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट द राइट टू दी, आई मीन हिंदू मैरिज एक्ट द राइट टू परमानेंट एलिमनी किसको अवेलेबल होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को होता है. परमानेंट एलिमनी की बात है 25, पेंडेंटल लाइट दैट इज सेक्शन 24, पेंडेंटल लाइट की जो एप्लीकेशन है दैट हैज टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 days में होनी चाहिए, और सेक्शन 25 में दोनों मांग सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ परमानेंट एलिमनी. नाउ द प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइट हैज बीन मेड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में बताया गया है, पेंडेंटल लाइट दैट इज सेक्शन 24, पेंडेंटल लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी ग्रांटेड टू हूम,
पेंडेंशियलाइट एंड एक्सपेंसिव दी प्रोसीडिंग, दो बातें इसमें, एक तो मेंटेनेंस पेंडेंशियलाइट ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ दिस, जब आपने पिटीशन डाली है उस दौरान, एंड एक्सपेंसिस ऑफ दी प्रोसीडिंग सेक्शन 24 में दोनों को दी गई है, ठीक है, आंसर होना चाहिए दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों. Now, which section of the Hindu Marriage Act deals with the alimony? That is section 25. ये क्या कर रखा है, गलत है क्या ये? हाँ जी, ऑप्शन तो गलत है इसमें, 25 तो है ही नहीं इसमें. चलो ये गलत है इसका ऑप्शन, इसका आंसर होना चाहिए 25. Now, application for maintenance can be made to कौन सी कोर्ट में जाएगी भाई? हाई कोर्ट थोड़ी ना चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे ना, अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट में तो बाद में जाएंगे. अपील कितने दिन में होती है? That has to be within 90 days. और यहाँ पे यानी हम ट्रायल कोर्ट में जाएंगे. तो रेमेडीज अंडर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट एंड द 125 सीआरपीसी के अंदर ही मेंटेनेंस मांगा जाता है. सीआरपीसी का मामला अलग चलता है, साइमल्टेनियसली दोनों चल सकते हैं, दोनों अपने आप में अलग हैं, इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सेक्शन 24 में अगर मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट डाल दिया है तो वे 125 में नहीं डाल सकते. 125 में थोड़ा स्पीडली मैटर चलता है तो इसलिए वहां डालते हैं जनरली. हिंदू मेल कैन क्लेम मेंटेनेंस, अच्छा मेल जो है मेंटेनेंस भी मांग सकता है फ्रॉम हिज वाइफ, किसमें मांगेगा? मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट एज पर दिस, तो 25 में भी मांग सकता है. एलिमनी मांग सकता है क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से? एलिमनी और दोनों चीज मांग सकता है, पेंडेंशियलाइट भी मांग सकता है, सेक्शन 18 में नहीं मांग सकता है. कैन क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस में तो ये सेपरेट रेजिडेंस की बात की गई है 18 में, वाइफ मांगती है. 125 में तो हस्बैंड तो मांग ही नहीं सकता, यहाँ तो वर्ड ही नहीं है, मेल तो बल्कि देता है यहाँ पर, ठीक है. तो आंसर इज ए. नाउ इन चेरी मेंटेनेंस के क्लेम बाय द हस्बैंड और वाइफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस पेंडेंशियलाइट, ओके, दैट इज ए. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कॉरेस्पॉन्ड टू विथ सेक्शन पेंडेंशियलाइट की जो बात करी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी दे रखा, इंडियन डाइवोर्स एक्ट में भी दे रखा था और है. तो इसका आंसर होना चाहिए सी. इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन कितने दिन में होना चाहिए? 60 दिन में, ठीक है. 30 तो है ही नहीं तो काट देते हैं पहली, बचे दो. 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में भी, ठीक है. डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस वर्ड लिखा है, बाकी नीचे वाले में देख लेते हैं क्या है. फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग से नहीं होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन उसको पता लगेगा उस दिन से ही तो, ठीक है. अगर भाई नोटिस सर्व होने में 20 दिन लग गए तो बच्चे 40 दिन में क्या हो जाएगी मामला, 2 महीने में नहीं हो पाएगा, डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगी एप्लीकेशन. तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन विद रिगार्ड टू एन एप्लीकेशन द 25 हिंदू मैरिज एक्ट इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है? An application in 25 can be made before passing of the decree. Yani alimony ke jo application hai can be passed before the passing of the decree. Ki to ja sakti hai. Ye 1 ka 2 kya hai? 13 1 ka 2 hai, jahan pe 4 grounds mile hue hain. Kisko mile hue hain? Divorce ke wife ko. Theek hai, ek to ye ho gaya, bilkul ki ja sakti hai. An application of section 25 can be made at the time of passing of the decree. अंडर सेक्शन एट द टाइम भी की जा सकती है, एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री, ठीक है, ओके, ये भी की जा सकती है. एन एप्लीकेशन 25 कैन बी मेड सब्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ द डिक्री इन पिटीशन अंडर 13(2)(4). 13(2)(4) का क्या है? वो भी मेंटेनेंस की बात करता है. सी हो गया. पर ये रेपुडिएशन, हाँ जी, 15-18 इयर्स के बीच में रेपुडिएशन. ओ हाँ ठीक है, मेंटेनेंस तो 3 है ना, ओके, मेंटेनेंस इज 3, लास्ट वाला तो वो है ना, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है ना, 15-18. जी सर. यस सर.
ओके फोर्थ है तो एन एप्लीकेशन ऑफ 25 कैन बी मेड सब्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ द डिक्री ठीक है इन पिटीशन मेंटेनेंस तो वो मांग ही सकती एलिमनी तो मांग ही सकती है पर मैरिज ही तो रेपुडिएट हो रही है उसके बाद तो एलिमनी मांगेगी ही वो एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड सब्सिक्वेंट टू द डिसमिसल ऑफ द पिटीशन फॉर द डिसमिस होती है फॉर द डिवोर्स अंडर सेक्शन 30 एन एप्लीकेशन 25 के अंदर कैन बी मेड सब्सिक्वेंट टू द डिसमिसल ऑफ द पिटीशन फॉर द डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a) 13(1)(a) हो गया आपका क्रुएल्टी एक मिनट क्रुएल्टी डेजर्शन पहले आएगा एडल्ट्री एडल्ट्री yes, के बाद कौन सा आता है क्रुएल्टी फिर आएगा डेजर्शन ये है ना ऑप्शन ये वन का तो सी ये हो गया ये बी हो गया ठीक है तो ये बात कर रहा है ए की क्रुएल्टी की बात कर रहा है तो क्या ये हो सकता है क्या लग रहा है इसका ऑप्शन डी ही है वो डिसमिसल की बात नहीं कर रहा वहां पे हाँ जी डी होगा आंसर सर डी क्यों होगा क्योंकि सर 25 में बोला है एट द टाइम ऑफ डिक्री और सब्सिक्वेंटली तो यहाँ पे तो डिसमिसल की बात कर रहा है चेक कर लेते हैं Which of the following provision with regards an application on 25 यानी वो application किसके लगा रहा है alimony की उससे संबंधित incorrect है section 25 निकालते हैं एक बार okay any court exercising jurisdiction under this act may at the time of passing of the decree जब वो decree pass कर रहा होगा or at the time subsequent thereto उसके बाद भी at the time of passing of the decree एंड उसके बाद भी क्या कर सकता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पस बाय द ईदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस मे बी ऑर्डर दैट द रेस्पोंडेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर और हिज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सच ग्रॉस सम ऑफ मंथली और पीरियोडिकली सम फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट as having regard to the respondent's own income apni income ko dekhte hue respondent ki and other property if any the income and other property of the applicant the conduct of the party and other circumstances with the case it seems to the court to be just and such payments may be secured if necessary by a charge on immoral property of the respondent theek hai dekho isme directly aisa to kuch likha nahi lekin do word likhe hue upar At the time of passing of the decree or at the time of subsequent. तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं at the time or before हो सकता है. Sir. हाँ जी. Sir जो section 25 में जो भी relief है ये alimony ये तो divorce के बाद ही होता है ना मतलब कि person को अगर divorce मिल रहा है या divorce के बाद. वो lumpsum amount है ना ठीक है वो उसको maintenance ताकि वो future के लिए कहीं यतीम ना बन जाए vagrant वाले status में ना आ जाए. जी और इसमें डी में लिखा है कि डिसमिसल ऑफ द पिटीशन फॉर डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स तो मिला ही नहीं है ठीक बात फिर एलिमनी क्यों दी जाएगी हाँ नहीं सही बात है हम उसी को पैरी यूज कर रहे हैं अच्छे से बेसिकली अगर हम एमसीक्यू करने का यही फायदा होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट बेरेट है ना बेरेट और स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप ढंग से इनको पढ़ोगे ना इसमें टाइम तो हम लगा रहे हैं आंसर तो हमें दिख ही रहा है आंसर तो हर एक क्वेश्चन का दिख रहा है लेकिन आंसर को देख के थोड़ी ना हमारे पास पेपर में आंसर थोड़ी ना होगा हमें तो इसको अच्छे से इसको प्रॉप करना है पर यूज करना है ढंग से समझना है इसको क्या है तो yes, इससे क्या होगा आपको फायदा इस चीज का मिल जाता है जब एमसीक्यू लेको बेरेक देखो ऐसा नहीं कि आपको आंसर दिख गया तो सीधा टिक मार लिया इसको ढंग से देखना भी पड़ता है एंड एप्लीकेशन 25 कैन बी मेड बिफोर पासिंग ऑफ द डिक्री बिफोर का मतलब ये हो गया एट द टाइम ये हो गया करते वक्त एन एप्लीकेशन कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री क्योंकि अल्टीमेटली डाइवोर्स होगा तभी तो एलिमनी मिलेगी एलिमनी ऐसा तो है नहीं कि भैया इंसान अभी डाइवोर्स भी नहीं और एलिमनी भी ले ले नो वन कैन टेक एडवांटेज और ऐसा नहीं कि दोनों लड्डू खा ले एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड सब्सिक्वेंट ठीक है सब्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ द डिक्री इन पिटीशन अंडर ओके यानी इसमें ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हुआ उसने रेपुडिएट करी मैरिज खत्म होने के बाद भी एलिमनी मिलेगी एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 कैन बी मेड subsequent to the dismissal okay ab jab dismissal ho gayi hai petition for the divorce on the ground of cruelty nahi thi to alimony kahan se milegi theek hai tab nahi milegi
अगर हाँ किसी भी ग्राउंड पे अगर डाइवोर्स हो रहा है तो मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया डी हो जाएगा इस पर्पस से। तो क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, दिल्ली वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का है, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी वेराइड, ठीक है, चेंज किया सकता है, मॉडिफाइड और रेस्किंड, खत्म भी किया जा सकता है। अब एलिमनी ऐसा नहीं है एक बार 25 लाख रुपए दे दिए तो वो भी पॉसिबल है, या उसको मंथली भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान जो मंथली दे रहा है, पता चला उसकी वाइफ ने कुछ चीजें गलत कर दी, हस्बैंड ने कुछ चीजें गलत करी हैं, तो फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा। कब किया जा सकता है? इफ द पार्टी इन हिज फेवर द ऑर्डर हैज बीन पास, वो दूसरी शादी कर ले। तो जब दूसरी शादी कर लेगा लड़का या लड़की, तो ऑफ कोर्स ही बात है उसकी लायबिलिटी तो खत्म हो गई ना पहले वाले स्पाउस की। लॉजिक लगा के याद करना, ठीक है। इफ द पार्टी इन हुज फेवर द ऑर्डर हैज बीन पास इज द वाइफ, अगर वो वाइफ है, शी हैज नॉट बीन रिमेन चेस्ट, पवित्र नहीं रही। वैसे तो ये वाइफ के फेवर में, हमें इसमें हस्बैंड भी तो होना चाहिए। तो दोनों के लिए है प्रोविजन, हस्बैंड के लिए भी है। हाँ जी, देखो बेसिकली ये एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है, 25 हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मांग सकते हैं। तो इफ दी सी क्या कहता है, इफ दी पार्टी इन हुज फेवर, और हिंदू मैरिज एक्ट है जहां पर दोनों हस्बैंड या वाइफ मांग सकते हैं, सीआरपीसी में तो मांग ही नहीं सकता हस्बैंड। नाउ इफ दी पार्टी इन हुज फेवर द ऑर्डर हैज बीन पास इज द हस्बैंड, ही हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर वुमन, एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी, तीनों ही हो जाएंगे डी। In a suit for dissolution of the marriage, permanent alimony can be granted. Maintenance penalty line can be granted. Permanent alimony भी मिलेगी, penalty line भी मिलेगा, तो दोनों मिलेगा, can be granted. 24-25 दोनों का use होगा. Now, divorced Hindu wife can claim maintenance under which of the following act? बड़ा ही अच्छा question है, options इन लग रहा है. Divorced Hindu wife can claim maintenance. डाइवोर्स जिसका तलाक हो चुका है, हिंदू मैरिज एक्ट ओनली, हिंदू मैरिज एक्ट में करती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट में करती है, हिंदू मैरिज को सीआरपीसी में भी करती है, क्योंकि वहां की एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना, हु हैज ऑब्टेन डाइवोर्स्ड, यस डेफिनेशन ऑफ वाइफ, हां एक्सप्लेनेशन है ना उसकी, वाइफ को बताता है वाइफ कौन है जी, हु हैज बीन, आई मीन हु हैज बीन डाइवोर्स और हु हैज ऑब्टेन डाइवोर्स, जिसको दे दिया गया है या जो उसने खुद ले लिया है, दोनों चीजों को कवर करता है। एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 18 एंड 19 में तो वो विडो, तो विडो की बात की गई है, वो अपने फादर इन लॉ से मांगेगी। 18 में जो बात की गई है वो सेपरेट रेजिडेंस की बात की गई है, वाइफ को डाइवोर्स तो नहीं लेती उसमें ड्यूरिंग मैरिज, हाँ जी वो वाइफ ड्यूरिंग मैरिज है, सेपरेट रेजिडेंस भी ले सकती है, वो डाइवोर्स तो है नहीं तो इसमें तो मांग नहीं सकती वो। रही बात, यहाँ ओनली लिखा है तो गलत हो गया, इसलिए आंसर हो जाता है बी। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तभी वो कर पाएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, दैट इज सेक्शन 25। ओके, alimony under section 25 for Hindu marriage act can be ordered by, कौन सी कोर्ट करती है? सिविल कोर्ट तो करती है, लेकिन वही तो कोर्ट करेगी जिसका jurisdiction होगा, court exercising jurisdiction under the Hindu marriage act, that should be answer B. Now section 26 of Hindu marriage act as amended by the Hindu marriage amendment act 1964 deals with what? कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, इट्स अ पैरामाउंट कंसिडरेशन, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन, 26 में है, ठीक है 26 में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज बदलाव आई थी? हाँ जी सर, वो डिस्पोज ऑफ करने का टाइम पीरियड के एप्लीकेशन 60 डेज की जो बात है ना, 1964 में एक और बड़ा बदलाव आया था, इसमें क्या है? 13(1)(a), ठीक है, ये irretrievable breakdown of marriage का concept, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो
तो कस्टडी ऑफ चाइल्ड से डील करता है. कस्टडी ऑफ चाइल्ड में जनरली अगर कोई बच्चा जो इन्फेंट है तो मदर के पास ही दी जाती है. और कस्टडी ऑफ चाइल्ड इज अ पैरामाउंट कंसीडरेशन, ये बात कहाँ लिखी है? हाँ जी, कस्टडी ऑफ चाइल्ड इज अ पैरामाउंट कंसीडरेशन हिंदू कौन सा एक्ट है वो? गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, गार्जियन एंड माइनॉरिटी एक्ट, उसका सेक्शन 13 में. चलिए तो कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं. सेक्शन 26, सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज इज अलेस्ट बिलोंग टू हस्बैंड और वाइफ दोनों की बात करता है. अच्छा, वाइफ की जो प्रॉपर्टी है दैट शी वुड बी द फुल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सबसेक्शन 14, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. Section 27 of Hindu Marriage Act allows the court to divide which one of the following between the spouse. Property acquired by them out of their earning before the marriage. Galat. Shadi se pehle to income jo pi hai usko thoda divide karenge. Property acquired by them out of the earning after the marriage. Particularly 27 ki baat kar rahi hai. Property presented to them jointly at the time of marriage. Theek hai, answer is C. Property acquired through the inheritance by the husband. इसको डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, स्त्री धन का कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा हुआ है? 14, सेक्शन 14, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी. उसको शादी में जो भी गिफ्ट मिलेंगे, चाहे लड़के वाले दे चाहे उसकी फैमिली दे, दैट द प्रॉपर्टी वुड बी ऑफ हर, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी, फुल ऑनर होगी वो उसकी. अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एवरी अपील फ्रॉम द डिक्री ऑर्डर shall prefer with effect from the 23rd of December 2003 within a period of 90 days from the date of the order or decree. Answer is B. What is the consequences when the age of the Hindu girl at the time of her marriage under Hindu Marriage Act is less than 18 से कम है तो वो punishable होती है, लेकिन marriage तो valid होती है. Answer is A. The period of limitation for seeking an annulment of the marriage on the ground of the fraud. अगर fraud का आपको पता चल जाता है तो कितने साल के अंदर आप marriage को void कर सकते हैं? 1 year. It has to be within 1 year. ठीक है, from 1 year from the date of knowing of the fact of the fraud. Now limitation of the filing appeal against the decree under Hindu Marriage Act is from the date of the decree is. अरे ये तो वही वापिस आ गया, 90 days. Now, in the absence of any proceeding under Hindu Marriage Act between the parents of the children, an order for the custody, maintenance, and the education of the minor child can be passed by the कौन सी court pass करेगी? District court pass करेगी. ठीक है, High Court नहीं चले जाते हम सीधे, ना ही guardianship की कोई court है. Answer is C. Family court होती है ना, principal court होती है वो. ठीक है, Now during the pendency of the appeal. During the pendency of appeal against the decree of the divorce, अब उसने divorce तो मिल गया नीचे कोर्ट से, लेकिन उसने अपील कर रखी है, पेंडिंग है, शादी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. और competent to solemnize second marriage? नहीं कर सकता. May contract other marriage with the leave of the court? नहीं कर सकता. Are not competent to contract another marriage and their incapacity to do so is absolute. Competent नहीं होता. Answer is C. चलो एक बार बताइए मेरे को आप लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हस्बैंड और वाइफ काफी लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो अब क्या होगा इसका सिचुएशन? बहुत 10-10 साल हो गए दोनों अलग रह रहे हैं, अबेंडन कर चुके हैं एक दूसरे को, दूसरी शादी कर लेते, तो क्या स्टेटस रहता है उसका? सर स्टेटस तो वॉइड होगा, लेकिन आपने बताया था किसी केस लॉ में कोर्ट ने थोड़ा लीनियंट अप्रोच लिया है. हाँ जी, एक मामला था जिसमें 13 साल हो गए थे, तो वहां से कोर्ट ने भी अभी लीनियंट अप्रोच रखने लगा है कि मैरिज इज ऑलरेडी बीन डेड. जब शादी नहीं रही तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी क्या करा, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ठीक है, अब वो तो रही नहीं, तो उसको तो बेसिकली होता क्या है, आपने देखा हो जब नोटिस ऑफ मोशन डालते है ना, जब म्यूचुअल कंसेंट में भी दोनों के जो मोशन होने चाहिए, जैसे फर्स्ट मोशन डाला अगर वो स्टार्टिंग में डालते हैं हम, तो जब फर्स्ट मोशन डलेगा उसके बाद सेकंड मोशन 6 मंथ में डाला जाता है, तो
तो जब पहला डेट पे जब वो आए थे कोर्ट में तो दोनों की कंसेंट दी, तो क्या कंसेंट थ्रू आउट दी नेक्स्ट जब वो सेकंड मोशन आएगा तो क्या तब भी दोनों की कंसेंट होनी चाहिए? आंसर इज यस, होना ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी हुई कि उन्होंने पहला तो डाल दिया उसके बाद वो डाला ही नहीं, सेकंड मोशन कभी डाला ही नहीं, या लोग जो हैं उनका दोनों अलग रह रहे थे, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर फॉर द डाइवोर्स अगेन, तो कोर्ट फिर ये कहती है द मैरिज ऑलरेडी बीन डेड। अगर उसके बाद भी आप जबरदस्ती उनको कहो शादी में बंधे रहो तो इट वुड बी द क्रुएल्टी टू दोस पर्सन। अब उसने क्या करा, ऐसा हुआ था भाई वहां पे उसका भी अफेयर चल गया, उसका भी अफेयर चल गया, तो कोर्ट फिर उसमें क्या करे, कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगी, मामला वैसे भी सिविल है, पर्सनल है। तो अब ये सारे मेन से क्वेश्चन है, आई एक्सप्लेन कौन कौन से केस थे इसमें। एक बहुत ही लीडिंग केस था, आई फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द केस, बट प्रोबब्ली इट वुड बी द केस ऑफ कोहली, ठीक है, और मतलब बड़े अच्छे केसेस हैं। हाँ जी, नवीन कोहली, नवीन कोहली तो है लेकिन आई एम फॉरगेटिंग द नेम के वो उससे ही रिलेटेड है या नहीं, लेकिन ऐसे केस है, लीडिंग केस नवीन कोहली का भी केस है, ठीक है। मैं लास्ट वाले दिन जब इसको हम करेंगे ना तो मैं सारे केस लॉ बता दूंगा आपको, ठीक है, कौन कौन से केसेस पे ध्यान रख लेना, वैसे इतना वो अंदर जाके पूछते नहीं है यहाँ पर। नवीन कोहली और नीतू को नीलू कोहली है ऐसे कुछ करके आओ तो। यस सर, नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली करके जो है आपके पास अभी? बस अब बुक में होगा मेरे पास। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन जब हम लास्ट क्लास करेंगे इसकी तो आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन से केसेस पे ध्यान रख लेना, लगभग 20 से 25 केस मैं आपको बता दूंगा, उन केसेस पे ध्यान रख लेना। चलो ओके, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट मेरे पास अभी यहाँ रखी नहीं है वो मेरी फाइल, अदरवाइज आई कुड एक्सप्लेन कि कौन कौन से केसेस हैं। चलिए आगे चलते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, कितने इसमें सेक्शंस है, हाउ मेनी सेक्शंस, 30 है, 31 है, 30 है तो वन, लेकिन वो रिपील्ड है लास्ट वाला, ठीक है। ऐसे ही हिंदू सक्सेशन, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी एक लास्ट वाला जो है वो 29 30 रिपील्ड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है टोटल तो इस रिपील वाले को काउंट करके बताना है 30। अब वो पता नहीं कैसे पूछे हैं, वो तो डिपेंड करेगा, ऑप्शन देख के आपको पता लगेगा। सर अगर लास्ट वाला ही रिपील्ड है तो फिर जस्ट उससे पहले वाले नंबर तक ही सफिशिएंट रहेगा, वो तो ऐसा ही है क्योंकि हाँ बीच वाले तो हम ऐसा नहीं है कि भाई अगर बीच में से कोई रिपील्ड हो जाता है, जैसे आप अगर बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 23 रिपील्ड हो चुका है, ठीक है, अगर वो 23 ऐसा थोड़ी ना कि 22 रह जाएंगे, फिर भी मेरे हिसाब से लॉजिक तो ये कहता है वो रिपील्ड है। अब जैसे हम पार्टनरशिप वो पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे देखा जाए 266 सेक्शन है लेकिन 238 तक है, तो जनरली जितने भी टीचर हैं वो सब यही पढ़ाते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैविंग 238, लेकिन मैं हमेशा क्लियर पिक्चर देता हूँ कि उसमें 266 है जिसमें से कि 239 से लेकर 66 है, वो रिपील्ड होने के बाद एक नया एक्ट आ चुका है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, बट इट्स ऑल अप टू यू डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन में अगर लिखा है तो मेरे हिसाब से तो मैं तो आंसर फिर ये रिपील के साथ ही लगाऊंगा कि एग्जैक्टली थे कितने, या ऐसा पूछा जाता थे कितने, थे कितने तो सारे डाल देना, नहीं तो फिर आप डाल सकते हो कि हाँ भाई 29 ही है, फिर लास्ट वाला है तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हम इसमें, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला को सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोगों को आता ही होगा, दूसरे की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरा रेप्लिका है हिंदू मैरिज एक्ट की तरह से, किस किस पे अप्लाई होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। थर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन छुपी हुई है, पहला तो एग्नेट पढ़ लेंगे, कॉग्नेट पढ़ लेंगे, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एग्नेट और व्हाट इज कॉग्नेट? सीमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज एग्नेट एंड कॉग्नेट? हाँ जी यामिनी, चलिए आप बताइए जल्दी से, हु इज एग्नेट हु इज कॉग्नेट, डेफिनेशन नहीं एग्जांपल बताना। अच्छा सर जैसे सपोज सन और उसका ग्रैंडफादर तो एग्नेट हो जाएंगे क्योंकि दे आर रिलेटेड थ्रू मेल फादर। और कोई एग्जांपल?
और सन और उसका ग्रैंडफादर ये एग्नेट हो गए। यस सर। और जैसे सन और नाना ये हो जाएंगे कॉग्नेट्स। सन और मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, बीच में आ गई माँ। यस सर। मैटरनल मदर आ गई ना, फीमेल थ्रू फीमेल। और ये हो गए तुम्हारे सन ग्रैंडफादर, ये इनमें आ गया फादर बीच में। तो ये हो गए तुम्हारे एग्नेट्स, ये हो गए तुम्हारे कॉग्नेट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताना कौन एग्नेट है कौन कॉग्नेट है। मैं हो गया इंद्रजीत, ठीक है, मैं इंद्रजीत हो गया। मेरा भाई हो गया हनी, हनी का जो बेटा होगा, हनी का सन, वो मेरा कौन होगा? एग्नेट। हाँ जी, ये मेरा होगा एग्नेट, क्योंकि मेरा भाई है, ठीक है, भाई का बेटा हो गया एग्नेट। मैं हूँ, मेरी सिस्टर है निशा, उनकी जो उनका बेटा, वो कौन कहलाएगा? कॉग्नेट। कहलाएगा कॉग्नेट, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। बाकी बहुत चीजें हैं इसमें, लेकिन अभी टाइम की कॉन्स्टेंट की वजह से वी हैव टू जस्ट इतना ही समझना है। तो इसमें ये लिखा है, देखो एग्नेट कौन होता है? वो इंसान इज सेड टू बी एन एग्नेट ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड बाय द ब्लड और अडॉप्शन, ठीक है। भाई मैं और मेरा ब्रदर हनी, हम दोनों ब्लड से रिलेटेड हैं, होली थ्रू मेल उसके, लेकिन हमारे बीच में कौन है? मेरे और हनी के बेटे में, यानी मेरा भतीजा हो गया, उसमें बीच में हनी है। ऐसे ही मेरे और मेरी सिस्टर के जो बेटा है उसमें एक फीमेल है, एग्नेट और कॉग्नेट, ठीक है। बाकी और इसको डेफिनेशन को छोड़ सकते हैं आप, फुल ब्लड हाफ ब्लड यूटरिन ब्लड द सेम लाइक उसी तरीके से है वो, ठीक है। भाई इसको एक बार आप पढ़ लेना, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू द ईच अदर बाय द फुल ब्लड व्हेन दे आर डिस्केंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, ठीक है। सेम वाइफ, अब देखो जैसे वही बात थी, हस्बैंड और वाइफ है, इनसे दो बच्चे होते हैं दोनों फुल ब्लड। अगर उसके बाद अगर कई सारी वाइफ हो सकती हैं, तो इनमें जो बच्चे होंगे ये कौन कहलाएंगे आपस में? ये आपस में हो जाता है इनका हाफ ब्लड, लेकिन कई सारी वाइफ और हस्बैंड एक कॉमन एंसेस्टर हो गया बच्चों के बीच में, तो फिर वो कहलाएंगे यूट्रिन, ठीक है। अभी एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम सी ही है। इंटरस्टेट के डेफिनेशन आपको जरूर देखनी है, इंटरस्टेट के डेफिनेशन जो 2G में लिखी है, सॉरी 3G में, ये कुछ डेफिनेशन है, इसको पेपर पे लिख लेना, ठीक है। ऐसा निकलना कि बेरेट में से देख ली याद हो गई, एक बार ब्लैंक पेपर पे लिखना, ब्लैंक पेपर पे आपके हाथ से लिखी हुई चीज याद रहती है, ठीक है। तो 3G इंटरस्टेट कौन हो जाता है? जो बिगर वसीयत बना के मरता है, deemed to be die interested in respect to the property of which he or she has not made a testamentary disposition capable of taking effect. तो जो इंसान बिगर वसीयत बना के मरा है, तो उसकी property कैसे devolve होगी? That would be a succession के हिसाब से होगी, ठीक है, Hindu succession act लगेगा। अब इसमें इतना ही काफी रहेगा आप लोगों के लिए, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे कुछ MCQ करते हैं, simultaneously हम merit भी समझते चलेंगे। On which date the Hindu Succession Act came into force? That was a date 17 June. 18th May kiski thi? 18th May 1955 thi Hindu Marriage Act ki. Isme hai 17. Now if the two person are related by the blood or adoption, holy through male. Holy through male. Male aa gaya beech mein. Each is known to have. Ye kon ho jayenge? Male aa raha hai beech mein, to kehlayenge agnate. Isko aise bhi samajh lena. जब हम इसका सक्सेशन करते हैं, तो सक्सेशन में क्लास वन हायर है, क्लास टू एयर्स हैं, क्लास वन एयर में 16 एंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें फिर अब क्लास टू एयर्स में एंट्रीज नहीं है, हमें एंट्रीज हैं, लेकिन वो पहले वाला, पहली एंट्री को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, नीचे वाले को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो जो नीचे आते जाएंगे प्रेफरेंस वाइज मिलती है इसमें, ठीक है। एम आई राइट? Yes, sir. First, इसमें कोई प्रेफरेंस है 16 में? इनमें 16 में प्रेफरेंस होती है, इक्वली डिवाइड होगी? हाँ जी, साइमल्टेनियसली। मैंने एक और सिंपल सा लैंग्वेज लिखी है, इक्वली, लेकिन साइमल्टेनियसली इज अ प्रॉपर वर्ड। इन दोनों में से अगर कोई भी जीवित नहीं है, कोई नहीं मिला, तो फिर जाएगी प्रॉपर्टी एग्नेट पे, फिर कोई नहीं मिला तो जाएगी कॉग्नेट पे, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, भाई मैं मर जाता हूँ, ठीक है, और मेरा एक ब्रदर है हनी, मेरी सिस्टर है निशा, और उनके बच्चे हैं, हनी का बेटा एस और निशा का बेटा भी हो गया एस,
तो प्रॉपर्टी आपके हिसाब से किसके पास जानी चाहिए? अगर मेरा कोई और भी वारिस नहीं है, वन एंड टू में कोई नहीं है, तो प्रॉपर्टी जानी चाहिए जो मेरा भतीजा होगा। दोनों को। जी दोनों को जाएगी जी, डायगनेट को जाएगी पहले। ओ सर, आपकी प्रॉपर्टी नहीं सर। अरे पहले एग्नेट को जाएगी फिर कॉग्नेट को जाएगी, अगर एग्नेट नहीं है तो कॉग्नेट को जाएगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। वही सर। सर लेकिन ये तो क्लास टू ईयर में भी आ रहे हैं ना, मतलब कि ब्रदर्स। ओके, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं। सर क्लास टू ईयर में भी आ रहे हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली ले लेंगे। अगर क्लास टू में आ रहे हैं, एक ही एंट्री में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं वो, ठीक है, तो वो साइमल्टेनियसली लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास टू ईयर्स की बात करूं, एक बार आप निकाल लो, जैसे क्लास टू ईयर्स में जनरली एक क्वेश्चन तो बार बार आता है, फादर कौन सी क्लास ईयर में, कमिंग क्लास कौन सी क्लास में आता है, वन में या टू में। जैसे अब इसमें लिखा है, जैसे इसमें लिखा है सन्स डॉटर सन, टू एंट्री की बात कर रहा हूँ, एंड सन्स डॉटर डॉटर यानी पोता पोती, तो दोनों को मिलेगी प्रॉपर्टी, तो ऐसा थोड़ी ना पोते को मिलेगी। ओके, तो सर फिर पोता पोती और उसका जो भाई है उसकी सिस्टर, चारों को, अगर चारों जिंदा चारों को मिलेगी फिर। ठीक है, एक मन निकालते हैं दोबारा से, कहाँ चला गया, चारों को मिलेगी फिर। मैं बताऊंगा, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो क्लास वन एयर में जो जिंदा हमको मिलेगी, तो क्लास टू की तो बात आएगी नहीं। क्लास टू की बात तब आएगी जब वो 16 लोग जिंदा नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्लास टू एयर्स में भी कैसे मिलेगी, फर्स्ट एंट्री को प्रेफरेंस मिलेगी, सेकेंड एंट्री वाले को कुछ नहीं मिलेगा अगर पहले वाला जिंदा ही है तो। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा ये। यस सर, यस सर। फिर क्लास टू में अगर सपोज ये चार लोग जिंदा है तो चारों को मिलेगी। ठीक है, फिर चारों को मिलेगी, ब्रदर सिस्टर भी लिखा है ना, और पोता पोती ब्रदर सिस्टर, तो चारों को इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया, टू का आंसर होगा थ्रू मेल, तो ये हो जाएंगे हमारे एगनेट। हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट हैव द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर, ये तो क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि पहले आंसर दे रखा है इसका ए, अब वो होगा नहीं तो सब पे अप्लाई होगा, तो ये होगा क्वेश्चन गलत, अब आएगा भी नहीं है। नाउ वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ द अनदर, एग्नेट की बात कर रहा है, थ्रू मेल होना चाहिए, ठीक है, थ्रू मेल ही होगा, यही आंसर इसका हो गया। थ्री सी ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफाइंस किसके बारे में बात करता है, थ्री सी, सी कॉग्नेट, थ्री सी कॉग्नेट, थ्री सी कॉग्नेट, ओके, और ए से स्टार्ट हो रहा है, याद रहेगा, कॉग्नेट याद कर लेना, एग्नेट तो फिर याद हो ही जाएगा, उससे पहले ही होगा। यस, ए फॉर एग्नेट और सी फॉर कॉग्नेट हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल, एग्नेट और कॉग्नेट। अ पर्सन इज सेड टू बी कॉग्नेट ऑफ अनदर इफ, a person is said to be cognate of another if, cognate की बात कर रहा है, दोबारा रिपीट हो गया, two are related to each other by the blood adoption, किसी से भी हो सकता through male, two are related to each other by the blood or adoption but not wholly through males, okay, answer is a mat, said to be cognate of another if two are related to each other by the blood or adoption wholly through male होना चाहिए ना? Not, yes sir, B है ना answer. अच्छा cognate पूछा है, अरे दिमाग कहाँ काम कर रहा है आज? ठीक है, थोड़ा नींद पूरी नहीं हुई ना, चार घंटे सोए हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। Now question number 7, that as per the Hindu Succession Act 1956, two person are said to be related to each other by uterine blood, ठीक है, तीन तरीके की बात करिए, full, half and uterine, when they are descended from, कहाँ से आए हैं वो, it can be from the common ancestor, uterine की blood कर रहा है, and different, by different husband, यानी wife क्या होगी, common हो गई, by different husbands, heirs has been defined under, कहाँ दे रखा है ये, जी में क्या था अभी बताया था, जी में इंटरस्टेट सक्सेशन, कैसे याद करेंगे, आई जी, ठीक है, और कैसे भी याद कर लेना, करना है तुम्हें, ठीक है। अब जो लीगल एयर के डेफिनेशन दे रखी है आपका सी में, सॉरी एफ में, थ्री एफ,
A person who dies without making a will is known as intestate. ठीक है, this has been defined under intestate. IG. B हो गया आंसर. Coparcinary property is known as coparcinary. क्या होती है? Joint family property में right होना. Self acquired में नहीं होगा, self property में नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा A. Coparcinary property, joint family property. A general rule, interest in the coparcinary property is acquired by the virtue of coparcinary right. किससे मिलता है? By birth से मिलता है. जन्म लिया आपने तो आपका right होगा ही होगा. हिंदू joint family, joint Hindu family does not include married son. बिल्कुल cover होता है. Married daughter cover नहीं होती है, वो तो किसी और की family का हिस्सा बनेगी. Adopted son बिल्कुल होगा, adopted daughter भी होगी, यानी आंसर हो जाएगा इसमें कौन नहीं है. नहीं है तो married daughter नहीं होगी. Now whether the, अच्छा ये बात बताओ, आज के टाइम में क्या married daughter है coparcinary right उसको है या नहीं है? Yes, she has. क्या married daughter partition मांग सकती है? Yes sir. आवाज नहीं आई? Yes sir. No sir. नहीं मांग सकती married daughter. सर क्योंकि पार्टीशन मैटर्स हिंदू सक्सेशन एक्ट में डील नहीं किए गए, तो जो मैटर्स इस एक्ट में डील नहीं किए उनके लिए हम जो अनकोडिफाइड लॉ है हिंदू लॉ उससे रेगुलेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 23(1) चलो एक चीज करेंगे. सेक्शन 23(1) सेक्शन 23 को अगर हमने यहां से रिपील किया है ठीक है. जब रिपील किया है तो उसमें क्या होता था, उसमें बेसिकली क्या है जो डॉटर, इसमें देखो 23 में डॉटर वर्ड यूज नहीं हुआ, फीमेल. फीमेल कौन हो सकती है एक परिवार में? फीमेल कौन कौन हो सकती है? एक तो इन द कैपेसिटी ऑफ डॉटर हो सकती है, चाहे वो मैरिड और अनमैरिड हो. एक कौन हो सकती है? मदर हो सकती है. और कौन हो सकती है? एक और लेडी है, डॉटर, मदर और वाइफ. ठीक है, तो क्या ये पार्टीशन मांग सकती थी पहले? कैन दे डिमांड पार्टीशन? नो सर. पार्टीशन ये नहीं मांग सकती थी, इनका राइट नहीं था 2005 से पहले, इनका राइट नहीं था. बट कैन दे रिसाइड इन द ज्वेलिंग हाउस? यस सर, राइट टू ज्वेलिंग हाउस. ये ज्वेलिंग हाउस में रह सकती थी. अब होता क्या है, मैं बहुत आगे चला गया, मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे जाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन यही राइज हो गया. चलो फिर भी खत्म करते हैं इस टॉपिक को. अब ये होता क्या था, ये ऐसा प्रोविजन इसलिए बना था क्योंकि दो ब्रदर रह रहे हैं, सपोज एक ब्रदर दो ब्रदर. अब एक लेडी जो है वो ऑलरेडी शादी होके कहीं और जा चुकी है, ये हो गई इनकी बहन सिस्टर. सिस्टर आती है कहती है कि भैया मुझे पार्टीशन चाहिए, तो इसको पार्टीशन का राइट नहीं होता था. शी कैन नॉट क्लेम फॉर द पार्टीशन क्योंकि ये ड्वेलिंग हाउस है, एक घर के अंदर ये एक संयुक्त परिवार रह रहा है जिसकी शादी हो चुकी है बहन. वो आके कहती है मुझे पार्टीशन चाहिए, ये क्या कर रही है अल्टीमेटली? ये तो घर तोड़ने की बात कर रही है. हमारे हिंदू लॉ में इस तरीके से प्रोविजन रखे गए हैं, हमेशा चीजों को जोड़ने की बात की गई है. तो ये तो अल्टीमेटली जो आके डिमांड कर रही है पार्टीशन करो भाई, अलग रहो, तोड़ो, तो ये तो इट इज अ कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली का कोई खत्म करने की बात हो रही है. तो इसलिए इस लेडी को कोई पार्टीशन का राइट नहीं था, पार्टीशन क्लेम करने का राइट नहीं था. हाउएवर अगर ब्रदर आपस में पार्टीशन कर रहे हैं, ब्रदर ने डिमांड करी है कि पार्टीशन की, इन दैट केस पार्टीशन के दौरान इसको हिस्सा दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? जी सर. हिस्सा दिया जाएगा, ये जो सिस्टर है इसको हिस्सा दिया जाएगा. और ये कौन सी लेडी थी अभी? वाइफ. और ये क्या नाम है इसका? मदर. Even a wife or mother cannot claim a partition, but if the partition is taking place, then the उनको हिस्सा दिया जाएगा. ठीक है, तो section 23 में अब क्या होता था, but she was having a right to reside, लेकिन वो आगे रह तो सकती थी. अब वो कौन सी लेडी रह सकती थी? या तो वो अनमेरिड है, या दूसरी चीज उसके पति ने उसको छोड़ दिया. पति ने छोड़ दिया तो कहाँ जाएगी? यतीम हो जाएगी. अब गलत कामों में चली जाएगी, तो उसको फिर वो इस फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रखा जा सकता था, जॉइंट फैमिली में. बट इवन दो व्हेन शी इज रेसाइडिंग इन द जॉइंट फैमिली शी कैन नॉट क्लेम फॉर द पार्टीशन. इज दैट क्लियर? और लेकिन 2005 के बाद से इसके पास अधिकार आ गया, शी कैन क्लेम फॉर द पार्टीशन एज वेल एज फॉर द रेजिडेंस ऑल्सो. ठीक है, 2005 के बाद से कह दिया भाई, क्योंकि देखो होता क्या था, पार्टीशन कौन क्लेम कर सकता था?
who can claim the partition? सबसे इम्पोर्टेंट बात बताइए, who can claim? Co-partner. वर्ड है co-partner. Co-partner, ठीक है? And she was not used to be co-partner before the 2005. When she made a co-partition, that means she can claim for the partition. 2005 के बाद वो partition claim कर सकती है. समझ में आ गया concept? Yes, sir. सर लेकिन इसमें तो विद रिस्पेक्ट टू ड्वेलिंग हाउस ही है ना, लेकिन जनरल पार्टीशन, क्योंकि सर एक क्वेश्चन आया था हरियाणा में और उसमें ये था कि कैन मदर क्लेम पार्टीशन, तो उसका आंसर यही था कि नो, और उसमें यही रीजनिंग दी थी क्योंकि ये सक्सेशन एक्ट पार्टीशन से डील नहीं करता, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 जो प्रोविजन इसमें नहीं है उनके लिए हम अनकोडिफाइड लॉ में जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट होगा. तो मदर को कहां से राइट होगा सर? मदर को राइट्स नहीं है, मदर को वैसे भी राइट नहीं है. मदर कैन नॉट क्लेम अ पार्टीशन, पार्टीशन का राइट नहीं है मदर को, ना ही मदर ना वाइफ. सक्सेशन होगा तो सक्सेशन में राइट है ना उसका, तो बस मदर को ना ही मदर ना ही वाइफ, क्योंकि मदर, एक मिनट, मदर और वाइफ तो कोपार्टनर राइट्स है भी नहीं. यस सर. मदर और वो जो क्या नाम है वाइफ कोपार्टनर राइट थोड़ी ना उनका. Yes, को पार्सनर कौन है? वो तो डॉटर की बात कर रहे हैं, तो डॉटर ही होगी, मदर तो तब भी नहीं कर पाएगी. ठीक है, लॉजिक तो वही आ रहा है ना. Yes, अब वो कानून को आप घुमा के पढ़ो या वैसे पढ़ो, वैसे एक आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है. अगर जो चीज इसमें कॉडिफाइड में नहीं है तो पर्सनल लॉ अप्लाई होता है. लेकिन सर सेक्शन 6 में तो बोल दिया ना कि जो डॉटर है उसको भी को पार्सनर राइट दिए गए हैं. तो वो तो है, वो तो सेक्शन 6 का 3 में भी इनफैक्ट नोशनल पार्टीशन का भी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो वो पार्टीशन अब तो डॉटर तो कर ही सकती है, मदर तो वैसे भी नहीं कर सकती. ठीक है, बाकी अभी इतना समझिए, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इतना मुझे लगता है पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे क्लियर हो जाएगा इन द मैटर्स ऑफ 23 सेक्शन के रेफरेंस में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाता है, जबकि वो रिपील्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उस पर तो मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, यू नो मेंस का क्वेश्चन बनता है वहां से 23 पे. नाउ वेदर द जॉइंट फैमिली, वेदर द जॉइंट फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया क्या? ओके, और हिंदू जॉइंट फैमिली डज नॉट इन, ठीक है, बट नहीं कवर होती है. हाँ जी यामिनी, कुछ कह रहे हैं आप? साइलेंस एकदम से हो गया. नहीं सर, मैंने वो म्यूट कर दिया था. नहीं सर, मुझे क्लियर है. ठीक है, डॉटर कैन आस्क फॉर द पार्टीशन. ठीक है ठीक है, यार थॉट जैसे कोई इंसान की इच्छा पूरी ना हुई वो चुपचाप बैठ जाता है. नहीं सर, मैं सोच में चली जाती हूँ, मेरा उल्टा है, मैं बोल नहीं पाती. अगर आप सोच रहे हो ना तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं, जो इंसान सोचेगा वही तो उस बात की तह तक पहुंचेगा. जो सोच ही नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे. Now, whether the joint Hindu family or Hindu undivided family, is it a legal entity like a company? Is it a juristic person? Answer is ka best dekhna hai, joint Hindu family. Ye kahan likha hai? Ye aapka section kahan likha hai bataiye jara ye. Isko kisse relate karke hum pad sakte hain? The Partnership Act, Section 5. Section 5? Yes, sir. Usse bhi sambandh, usse bhi nikalta hai sir crux. It's not a juristic person. Section 5 se hi nikalta hai. Hindu joint family, it's not a juristic person. चलिए आगे चलते हैं. Hindu Succession Act 1956 does not apply to the property of the person who is a married under that. किस पे अप्लाई नहीं होगा? Hindu Succession does not apply to जिसने special marriage में करी है. ठीक है, special marriage act 1954, उसमें तो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो उनपे अप्लाई कैसे होगा? उनका सक्सेशन क्या चलेगा? अच्छा, उनका सक्सेशन करना है तो कैसे होगा? एक हिंदू और एक मुस्लिम. इंडियन सक्सेशन एक्ट. ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा. अब हम आते हैं इंटरस्टेट एंड टेस्टामेंटरी सक्सेशन. इंटरस्टेट विदाउट मेकिंग अ विल, अगर कोई मरता है तो सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा. हिंदू सक्सेशन एक्ट एज अमेंडेड इन 2005 एम्पावर्ड द डॉटर ऑफ द कोपार्टनर, daughter of a copartner right in the copartnery property like son under section 6. कल शायद गलती से मुझसे 5 निकल गया होगा, तो kindly rectify it. Okay, now which one of the following section of the Hindu Succession Act makes a provision for the notional partition? That is notional partition under section 6 का भी 3. Notional partition का concept क्या होता है?
नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है, मान के चलो वो इंसान जिंदा है और वो जो मर गया है, लेकिन उसको प्रेज्यूम किया जाएगा कि वो जिंदा है और वो अपने जीते जी पार्टीशन कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से डिवाइड होगी, मान के चलेंगे कि वो जिंदा है। सेक्शन 6(3) हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये डेट याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 सितंबर होगी गई, ठीक है, 9 सितंबर 2005, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अच्छा, कैन अ वुमेन बी अ कर्ता? यस सर, ये तो केस भी था दिल्ली हाई कोर्ट का, सुजाता केस। सुजाता नहीं, उससे पहले लीडिंग केस बताओ सर, वो नहीं पता। विद्यार्थी, क्या नाम है उसका? अच्छा, नाम बारो, क्या नाम है उसका, केस वी से है वो विद्यार्थी, कौन सा पता नहीं क्या नाम है उसका लेडी का, चलो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, मेमोरी थोड़ी शार्प रही, ऑप्शन में देख लेना, ठीक है। विद्यार, चलो एक बार सर्च करो क्विकली, वी शुड नॉट फॉरगेट द नेम, कि वुमेन कैन बी अ कोपार्टनर और वुमेन कैन बी अ कर्ता, वो केस लीडिंग केस है, वही आएगा अगर आप सर्च करोगे ना, क्विकली डू इट। As a result of the changes introduced by the Hindu Succession 2005, the daughter of the co-partner in the joint Hindu family governed by the Mitakshara law become a co-partner. Co-partner कौन सी डेट से होगी वो? That is from the 9th of, with effect from 9th of September. ठीक है, are you searching the name of the case? हाँ जी यामनी। Yes sir. सुजाता वाला ही आ रहा है। सुजाता नहीं, एक और केस है। पूरा नाम पढ़िए सुजाता का। मिसेस सुजाता शर्मा वसी श्री मनु गुप्ता एंड अदर्स 2006। नहीं, इसको छोड़ो, इससे भी लीडिंग केस है, वुमन कैन बी करता, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा आपको, वो बहुत लीडिंग केस रहा है। सर आप जयंदा तो नहीं बोल रहे? नहीं 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 नहीं, सर सुप्रीम कोर्ट का केस है। हाँ जी, अच्छा एक बार सर्च करो, कैन अ वुमन बी अ कोपार्टनर, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 कन्फर्स अपॉन द हिंदू वुमन अ राइट टू क्लेम पार्टीशन ऑनरशिप एज अ कोपार्टनर, राइट टू रिसाइड इन पार्टीशन इन पेरेंटल ड्वेलिंग हाउस इवन आफ्टर द मैरिज। गाइस कैन यू सी दैट, even after the marriage, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now after Hindu Succession Act, a daughter of the co-partner in a joint family governed by the Mitaksha law shall have no right in the co-partnery property, कोई अधिकार नहीं होगा, तो गलत है, cannot become a co-partner by birth, अब तो birth से हो जाती है, shall become a co-partner by birth in her own right in the same manner as that of the son. Answer is C. Hindu male having undivided interest in the Mitakshara co-partnery property dies leaving behind 2 sons and 1 daughter. Ek Hindu hai, having undivided interest in the Mitakshara co-partnery property dies leaving, दो बेटे छूट गए उसके, एंड वन डॉटर, द डॉटर इज एंटाइटल टू द 1/3 आएगा इसके पास, तो डॉटर के पास 1/3 आएगा, इक्वल राइट है, आंसर इज 1/3। द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फीमेल एज अ कोपार्टनरी कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय हर बाय वे ऑफ, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फीमेल एज अ कोपार्टनर कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय हर बाय वे ऑफ, टेस्टामेंट्री भी कर सकती है, उसका गिफ्ट भी कर सकती है, तो आंसर इज बोथ, कैसे मर्जी वो डिस्पोज ऑफ करे, प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है तो उसको वो एब्सोल्यूट ऑनर हो जाएगी। नाउ द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटरस्टेट आर कंटेन्ड इन सेक्शन 8, इसका आप चाहे चार्ट बना लेना, सेक्शन 8 बी में है। फीमेल के कहां से स्टार्ट होते हैं? 15 से। मेल का कौन कौन सा? 8, 9, 10, इम्पोर्टेंट है ये सारे, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, आपको एक इलस्ट्रेशन दे देंगे, प्रॉपर्टी पूछ लेंगे किसके पास डिवॉल्व होगी, ये जाएगी 8, 9, 10,
ये तीन तो बिल्कुल अच्छे से याद करना, और 11 में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। फिर आप 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हैं, और 15, 16, 14 को तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। 15, 16 हो गया सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल डाइंग इंटरस्टेट, ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन कैसे चलेगा 16, 17 दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। 7 और 17 को तो छोड़ सकते हैं, 7 और 17 दोनों एक साथ रिलेट करते हैं, ये आपके सक्सेशन से संबंधित हो गए प्रोविजन, ठीक है सारे। चलो अब इनका बीच बीच से संबंधित क्वेश्चन आते रहेंगे, वो कर लेंगे। जर्नल की बात करें तो कहाँ कहाँ है 8 और 15 में, ठीक है। 8 और 15 में जर्नल है, जनरल रूल ऑफ द सक्सेशन केस ऑफ द मेल डाइंग इंटरस्टेट और फीमेल डाइंग इंटरस्टेट, दैट इज सेक्शन 15। 8 और 15, फिर 9 को ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, 9 हो गया, और इधर की तरफ इसको कॉम्बिनेशन बना के पढ़ लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन दैट इज इन द 16, लेकिन 16 में और भी बातें लिखी हैं, तो अभी हम करेंगे, एक एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू से। When a Hindu inherits a property from his father, से आई under section 8, he take it as a joint family property थी, co-owner is separate property हो जाएगी inherit करते ही, the property from his father under section 8, if a dying intestate, अगर father बिगर वसीयत के मरा है, तो उसके बाद उसकी property जो devolve होने के बाद, it would be his separate property हो जाएगी। Under section 8, of Hindu Succession Act 1956, the correct order of the priority of the succession is, simple सा question है, सबसे पहले class 1 आया, class 2 आया, फिर agnate और फिर cognate आएंगे, ये उल्टा कर दो उसको, ठीक है। तो ये हमारा देख, class 1 आया, class 2 आया, फिर agnate और फिर cognate, answer is D। Then who is not a class 1 heir under the Hindu Succession Act में कौन class 1 heir नहीं है, तो father is not the class 1 heir, ठीक है। फादर किस में आता है, फादर आता है क्लास 2 एयर में, और सबसे पहली एंट्री फादर की ही है। अच्छा, क्या मुस्लिम लॉ में भी सेम है क्या? मुस्लिम लॉ में फादर को एक्सक्लूड किया हुआ या नहीं किया हुआ? इट्स लाइक अ सर प्रेफरेंशियल एयर है वो, मतलब कि प्राइमरी एयर है। हाँ जी, देखो ये केस था वो श्रेय विद्यार्थी, ठीक है, श्रेय विद्यार्थी, गॉट इट? यस सर। सीमा ने भेजा है, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हीयर ऑफ द क्लास 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, कौन सा क्लास 2 हीयर में नहीं आएगा, नॉट द हीयर ऑफ द क्लास 2, फादर आता है, फादर्स फादर, फादर का फादर कौन हो गया, ग्रैंडफादर, मदर्स फादर्स मदर, फादर कौन ही, अब ये देख लेना, ये थोड़ा मेरे को टाइम लगता है इन चीजों को समझने में, मदर्स फादर, लेकिन कौन नहीं होगा, यूट्रिन ब्लड वाले नहीं होंगे, ठीक है, दूर हो गए वो तो काफी। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वन ऑफ द 4 रिलेशन व्हिच वाज व्हिच हैज बीन एलिवेटेड टू द क्लास 1 एयर। अब आपको पता होगा 4 ऐसी क्लास थी जिनको हमने क्लास 1 एयर में डाल दिया है, वो कौन है? हाँ जी सर, मदर वाइफ सन एंड डॉटर। मदर वाइफ कहाँ से आ गई, मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे लोग थे जो पहले क्लास 2 ईयर में थे, अब उसको क्लास 2 में थे उसको उसमें डाल दिया 1 में, वो 4 है ना, वो प्रेडिसेस, ये जो लास्ट के 4 पढ़ लो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सन ऑफ प्रेडिसेस डॉटर ऑफ प्रेडिसेस डॉटर, अरे इतना लंबे लंबे हैं ये, क्या सर इसको इजी करके पढ़ लेते हैं, सिर्फ डिजीज हटा के नॉर्मल पढ़ लेते हैं, सन डॉटर्स डॉटर ऐसे, मैं बताता हूं आपको इसको क्या बोलोगे, 13 14 15 13 14 15 हो गए ना, तो ये हो गया देवते का बेटा, आप पढ़ लेना इसको, देवते का बेटा बेटी, और ये निकाल लेना, ठीक है, 4 लोगों के बारे में पढ़ लेना, आप बताओ कौन लगेंगे, वैसे ही कितना लंबा लंबा लिखा है देख लेना, ठीक है, 4 लोगों को इसमें क्लास ऑफ 16 आई मीन फर्स्ट ईयर में डाला, अब 16 है टोटल, वो याद कर लेना लिख के एक बार,
ठीक है, तो इसमें से वो कोई नहीं है। यामिनी कुछ कह रहे हो आप? सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ब्रदर एंड सिस्टर को क्यों क्लास टू ईयर में क्यों डाल दिया? वो है नहीं, यही नहीं तो हम क्या करें, इसमें नहीं डाला उन्होंने। वैसे तो मेरे हिसाब से तो फादर को क्लास वन में डालना चाहिए था, क्यों हटकर बाहर कर रखा है? जो कानून नहीं, है वो इसके तो हिसाब से कानून इन्होंने डी आंसर दिया है ना, और जबकि यहाँ पे जो जो ये दिया हुआ है यहाँ पे 13 क्वेश्चन में जो लास्ट है। हाँ का जी, आंसर जो, तो उसमें सर ये ब्रदर एंड सिस्टर तो लिखा हुआ है एंट्री टू में, तो यहाँ पे लेकिन क्यों ये क्या लिखा है, ऐसे? ब्रदर एंड सिस्टर बाय यूट्रिन ब्लड। एक्सप्लेनेशन में यूट्रिन ब्लड को एक्सक्लूड किया हुआ है। जी ओके ठीक है ठीक है। अब इसकी तुम हिंदी जाओ मुझे बताना, चारों की कौन कहलाते हैं सन ऑफ सर। अ जो नीचे प्रेडिसेसर जो जो डॉटर। जो चार दिए हुए हैं नीचे हाँ ये उनकी, क्लास वन ईयर में, इसकी हिंदी निकाल के बताना ये कौन कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं, बाद में कर लेना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द क्लास वन ईयर, कौन नहीं है क्लास वन ईयर, कौन नहीं है ब्रदर, क्लास वन ईयर नहीं होता। ठीक है, ये तो उसमें है ना, क्लास टू ईयर फादर के बाद जो सेकेंड एंट्री है, पहली में तो फादर है, सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री में कौन है, उसमें लास्ट में ब्रदर और सिस्टर लिखा हुआ है। सर। ये चीजें ना आंखों में कैमरा बनाना है आपको, उससे क्लिक करनी है। इतना टाइम नहीं होता कि इनको पढ़ने, उसको पेपर में आप एनालिसिस करने लग जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ क्लास वन ईयर हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू मेल, क्लास वन ईयर इन द एब्सेंस ऑफ क्लास वन ईयर हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल, फादर। अच्छा इन दी एब्सेंस लिखा है, ठीक है। कौन करेगा, ब्रदर एंड सिस्टर तो ये सेकेंड एंट्री में आएंगे, सिस्टर ब्रदर एंड सिस्टर तो आएंगे, आते हैं ये क्लास टू ईयर में, लेकिन एंट्री नंबर वन है फादर की, एंट्री नंबर टू में आएंगे ये ब्रदर और सिस्टर, वो भी तो ए को मिलेगा, ए। इनको मिलेगी, एक्सक्लूड करेंगे, रूल पढ़ लेना सारे। ठीक है, यस सर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास वन ईयर अंडर द, इसमें से कौन नहीं है, फादर ही नहीं होते हैं। ये एंड ऐड हुए थे शायद, डॉटर ऑफ द प्रेडिसेस, डॉटर ऑफ द प्रेडिसेस सन, चेक कर लेना इनको एक बार। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास वन ईयर, क्लास वन ईयर कौन नहीं होगा, फादर नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये तो सिंपल ही पूछते हैं वैसे। अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास वन ईयर, फादर। स्टेप मदर कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, स्टेप मदर किसमें आएगी, क्लास टू ईयर में आएगी, ठीक है, वन में नहीं है वो, निकालो एक बार। सर एंट्री सिक्स, क्लास टू एंट्री सिक्स। एंट्री सिक्स में फादर्स विडो एंड ब्रदर्स विडो। हाँ तो फादर्स विडो स्टेप मदर हो गई ना, क्योंकि अपनी मदर ओके तो क्लास वन ईयर है। ओके 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 फादर्स विडो ब्रदर्स विडो, ठीक है, ये याद करनी है तुम्हें, याद रखना। वैसे वो इतना अंदर से पता नहीं पूछ भी सकते हैं, क्योंकि याद करनी पड़ती है इसको, तो ये तो अभी या आया एक बार, मुझे। हाँ याद तो नहीं होगी, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बिठा के, एक बार दिमाग में सारे एप्लीकेशन करके देख लेना, ये कौन कहला रहा है, क्या इसको लॉजिकली जाएगी नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, उस हिसाब से एक बार याद कर लोगे फॉर द टाइमिंग, तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। नाउ सन इन द क्लास वन ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट इंक्लूड सन इन द क्लास वन ऑफ द सक्सेशन, स्केड्यूल ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट इंक्लूड सन में, कौन स्टेप्स इंक्लूड नहीं है, नहीं। स्टेप्स नहीं है। अ मदर इज नॉट एंटाइटल टू इनहेरिटेंस एज अ क्लास वन हायर फ्रॉम हर, स्टेप्स से नहीं ले सकती वो, ठीक है, आंसर इज बी पर सर द ये रूल। क्वेश्चन बार बार मिलता है कि स्टेपसन से तब ले सकती है जब उसका खुद का सन ना हो और उसके पास अर्न करने के लिए कुछ ना हो, ये वो क्वेश्चन। उससे संबंधित है ना, क्या नाम है ये, अभी हम आगे पढ़ेंगे ही, क्या नाम है इसका, जो हिंदू एडॉप्शन मेंशनेंस एक्ट, ओके वहां पे पढ़ेंगे सारी बात। नाउ द रूल्स रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, रूल्स रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द हेयर्स इन द क्लास वन ऑफ द शेड्यूल टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट आर कंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी कहाँ दे रखा है, जनरल रूल दे रखा है 8 में, ठीक है, और 9 में क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ 9 में ऑर्डर सक्सेशन। ऑफ सक्सेशन, पहले जर्नल हो गया, फिर ऑर्डर ऑफ सक्सेशन हो गया, फिर आ गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अमंग द ईयर्स ऑफ द क्लास वन, क्लास वन की बात करता है,
10 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास 2 इयर्स वो है 11। सीक्वेंस से याद करना ना इसको, 10 में तो 1 की बात करी गई है, 11 में 2 की बात की गई है, और फिर 12 में एग्नेट और कॉग्नेट की बात की गई है। ठीक है, पहले तो जनरल बात करेगा, एक इंसान बिगर वसीयत के मरेगा, वो हो गई सेक्शन 8। सेक्शन 9 ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन अमंग हेयर्स इन द शेड्यूल। ठीक है, वो एक लॉजिकली बात करता है कि अगर क्लास 1 में सारे जिंदा है तो उन्हीं को मिलेगी। फिर 8 किसकी बात कर रहा है, जब वो वसीयत के साथ विदाउट वसीयत मरेगा? हां जी, इफ ही डाइंग विदाउट, इफ ही डाइंग इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब बिगर वसीयत, तभी तो सक्सेशन चलेगा। अगर एक इंसान कैसे मर सकता है, एक या तो विल बना के मरेगा, विल बनेगा तो फिर वो विल वाले प्रोविजन के हिसाब से चलेगी, विल को प्रोबेट कराएंगे। ठीक है, वो उसकी इच्छा जाहिर करके गया, एक इंसान मरता है बिगर विल के, जब बिगर विल के मरेगा तो सक्सेशन लगेगा ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सक्सेशन के हिसाब से जाएगी, तो सेक्शन 8 में सक्सेशन की बात है कि कैसे जाएगी। फिर उसके बाद लिखा है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द हेयर्स इन द शेड्यूल, इसमें लिखा है दोज इन द क्लास 1 शैल टेक साइमल्टेनियसली, जो क्लास 1 के हेयर्स होते हैं क्लास 1 हेयर में, जैसे एक अगर सपोज मैं मर जाता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को मार रहा हूँ आज, तो मैं मरता हूँ, योगेंद्र जी सर्वाइव बाय, मेरी मदर है, मेरे फादर है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, मेरा बेटा है, मेरी डॉटर है, किसको मिलेगी संपत्ति? सिंपली देखिए, so, मेरे मरने के बाद पहली चीज मेरी मदर, एक हिस्सा मेरे ब्रदर को नहीं मिलेगी, मेरी सिस्टर को नहीं मिलेगी, मेरे फादर को नहीं मिलेगी, मेरी प्रॉपर्टी जाएगी मेरे सन पे, मेरे डॉटर पे और मेरी मदर पे। ये वाइफ को भी तो मिलेगी, वाइफ मैंने लिखा है क्या? नहीं, तो होगी तो मिलेगी। चलो एक और बना देते हैं, इससे भी अच्छा बना देते हैं, वाइफ भी है तो वाइफ को भी मिलेगी। ठीक है, अब मेरी दो वाइफ है, तो मान लो लिख की तरह हूं मैं भी, ठीक है, तो मेरी दो वाइफ है, तो मेरी जो दो वाइफ है इन दोनों वाइफ को मिलेगा एक हिस्सा, लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, 50-50 लेंगे। ठीक है, और रही बात मेरी मदर को, पूरा एक हिस्सा मिलेगा। अरे थोड़ी जगह की कमी है, एक मिनट रुको मैं बनाता हूँ। सर ये जो दो वाइस, सर दो वाइस वाली आपने बात करी है, ये आफ्टर 1955 या बिफोर 1955 मैरिज? अरे अब कौन से जिंदा होगी वो, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल, क्योंकि बाद वाली तो मैरिज वो वैलिड तो शेयर, फिर भी शेयर के लिए एंटाइटल्ड होगी, नहीं फिर तो शादी वॉइड हो जाएगी ना सर। हाँ, तो ये सर जो दो वाइस वाली बात है, क्योंकि अगर मैरिज बिफोर 1955 हुई हो तो, ठीक है, बिफोर 19 फॉर बिफोर द एनफोर्समेंट, अगर वो पॉली क्या बोलते हैं उसको, बायगेमस मैरिज थी तो, तो फिर तो वो कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा ना भाई, शादी तो एक ही वैलिड होगी। हाँ, तभी तो कह रहे थे कि 1955 के बाद होगा तो वो शादी वॉइड हो जाएगी, तो एंटाइटल ही नहीं होगी। तो दो जो है, अगर दो वाइफ है तो इसमें से तो एक तो वॉइड होगी मैरिज, तो जो वॉइड वाले को राइट नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मेंटेनेंस तो मिल सकता है, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, लिव इन रिलेशनशिप में मिल रहा है अब तो। ओके, तो हाँ अगर दो वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बार दोबारा बना लेते हैं, आई है, मदर है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, ठीक है, ये चार लोग हो गए, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर, ये आएंगे एंट्री नंबर 2 में, क्लास टू ईयर्स हैं ये नीचे वाले। इंद्रजीत के बाद जो प्रॉपर्टी जाएगी उसकी मदर को 1/4 जाएगी, 1/4 वाइफ को जाएगी, 1/4 सन को एंड 1/4 डॉटर को, ये तो हिस्सा बच गया। लेकिन अगर वाइफ दो होती बिफोर द कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, दो वाइफ होती तो उनको हिस्सा जाता, एक शेयर ही जाता 1/4, 1/4 को डिवाइड कर देती है, 1/8 जाता है उनको। ठीक है, और रही बात अगर ये ऊपर वाले एयर्स नहीं है, लीगल एयर्स ये नहीं है, तो ही हम इधर मूव करेंगे फादर की तरफ। अब सपोज फादर भी है, ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, तो इनको नहीं मिलेगी, ना ही ब्रदर को ना ही सिस्टर को, सिर्फ फादर को मिलेगी। ठीक है, अगर फादर नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी ब्रदर और सिस्टर पे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Succession, ठीक है,
हाँ लेकिन ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर आज के टाइम दो वाइफ हैं, फरमान मलिक है, तो क्या उसके दोनों की वाइफ को मिलेगी? आंसर इज नो, क्योंकि एक मैरिज ही वॉइड वैलिड हो सकती है, तो वॉइड होगी फिर ड्यूरिंग विल बना के जाना पड़ेगा। विल में। हाँ विल में तो उसको एज अ वाइफ नहीं दे रहा ना फिर, वो तो चाहे जिस मर्जी को दे, उसको स्टेटस तो वाइफ का नहीं मिल रहा ना सेकंड वाली को। बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द टाइम इस पे भी जजमेंट आ जाएगी कि भाई हाँ भाई सेकंड वाली उसने कर ली है, जब हमारे कानून में उसको रोकने का प्रावधान ही नहीं है ढंग से, तो उसको भी दो, फिर लॉ में चेंज आना आ जाएगा, बट जानबूझ के ला नहीं रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट होगा दूसरी शादी करने को, फिर कानून के पीछे नहीं आएगा ऐसा तो कोई, मतलब आएगा नहीं, लॉ में अमेंडमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा ना, पब्लिक पॉलिसी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट करो अब दो शादी करने के लिए, तो ऐसा आएगा नहीं। हाँ जजमेंट जरूर आ सकती है, जजमेंट क्या होगी वो, चलो अब दो शादी हो गई है तो कहीं ना कहीं अब क्या किया जाए, उसको राइट दे दिया जाए या ना दे दिया जाए। ठीक है देखो, फिर वो हाँ सब्जेक्टिव सर्कमस्टेंस देखते हुए किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस को दे, जैसे आपने एक वो वाला केस बताया था अभी 13 years वाला, एक हुआ क्या केस क्या था, बड़ा ही लीडिंग केस है वो, बहुत ही लीडिंग केस है। उसमें क्या हुआ था, 45 years से दोनों हस्बैंड और वाइफ शादी नहीं हुई थी, साथ रह रहे थे, बच्चे हो गए 7 या 8, सबको कहा सब वैलिड है। सर ये तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र वाले हेमा मालिनी का केस नहीं है वो, लेकिन हम हेमा मालिनी, लेकिन हाँ वो एग्जांपल तो है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेमा मालिनी धर्मेंद्र, लेकिन एक लीडिंग केस है हमारे पास इस पे। 45 years से उन्होंने केस को कहा भाई ठीक है अब इनको देना ही पड़ेगा राइट। ए इज अ हिंदू मेल, ही डाइज इंटरस्टेट विदाउट वसीयत के मरता है, लिविंग अ सन, एक तो अपना बेटा छोड़ के गया है। बी हिंदू मेल बेटे को छोड़ के गया है, एक मिनट यही बनाना पड़ेगा स्पेस का मैं थोड़ा। ओके तो क्वेश्चन है, ए जो है इज हिंदू मेल, इफ ही डाइज इंटरस्टेट, एक हिंदू है ए, वो मरता है बिगर वसीयत बनाए, सक्सेशन चलेगा यानी, लिविंग अ सन बी, उसका एक बेटा है बी, लिविंग अ सन बी टू ग्रैंडसन्स एम एंड एन ऑफ द डिसीज सन सी, इसका एक और बेटा था सी, उसके दो बेटे थे एम एन एन, और ये जो है सी ऑलरेडी मर चुका था, एंड थ्री ग्रैंडसन एक्स वाई जेड और डिसीज ग्रैंडसन पी, इसका यानी एक और बेटा था पी, उसके तीन बेटे थे एक्स वाई जेड, ये भी कैसा सन था इसका, एंड थ्री ग्रैंडसन एक्स वाई जेड ऑफ द डिसीज सन, यानी दो बेटे, इसके तीन बेटे थे, ए के तीन बेटे थे बी सी पी, बी जिंदा है, एक बेटा जिंदा है, सी और पी दोनों मर चुके हैं, लेकिन इनके ऑलरेडी एम एन एन दो बेटे हो गए इसके, सी के पी के तीन बेटे हो गए। क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्स वाई जेड ऑफ द डिसीज ग्रैंडसन पी ऑफ डिसीज सन डी, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ एम एन एक्स, एम और एन एक्स, एम का शेयर पूछ रहा है और एक्स का। अब एक चीज समझिए, देखो ए की जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी एज पर द सक्सेशन, तो पहली बात इनके तीन हिस्से बनेंगे, मान के चलेंगे कि ये अलाइव है तो इसका प्रॉपर्टी जाएगी 1/3 बी पे जाएगी, 1/3 सी पे जाती, 1/3 जाती पी पे। अब इसमें से सी की जो प्रॉपर्टी है इसके दो हिस्से होंगे, यानी 1/6 जाएगी एम पे, 1/6 जाएगी किस पे, एन पे। अब इसके पास जो 1/3 हिस्सा गया है पी के पास, वो जाएगा 1/3, 1/3 का तीन तीसरा हिस्सा यानी 1/9, 1/9, 1/9। अब आप निकाल लीजिएगा, x पे जाएगी 1/9, m पे जाएगी 1/6। आंसर देख लेते हैं, हमें किसको देखना है, m को और x को, m को गई 1/6 दैट आंसर, और ये x को गई, x का पूछा है ना तो 1/9 आंसर इज बी। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया होगा जी सर। x dies intestate, बिगर वसीयत के मरता है, लिविंग बिहाइंड टू सन वन डॉटर,
दो बेटे हैं इसके और एक डॉटर है, एक विधवा है, ठीक है, विडो, डॉटर एंड विडो, सबको इक्वल राइट जाएगा. इस प्रॉपर्टी शैल डिवोल्व ऑन द इक्वल, सब पे जाएगा, सन्स पे भी इक्वल जाएगा, डॉटर एंड विडो. ओके, 1/4 जाएगा सब पे. हिंदू डाइज इंटरस्टेट लिविंग टू सन्स, दो बेटे हैं, तीन डॉटर हैं, टू विडो हैं, थ्री ग्रैंडसन है. अरे ये तो बनाना पड़ेगा चार्ट, बड़ा लंबा चार्ट है, बनाते हैं चलो. और हिंदू डाइज इंटरस्टेट, बिगर बचत के मरता है, उसके कितने है? दो बेटे, S1 S2, एंड इसको एक्स मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, दो बेटे हो गए, एंड थ्री डॉटर्स, D1 D2 D3, टू विडोज, विडो 1 विडो 2, एंड थ्री ग्रैंडसन एंड थ्री ग्रैंड डॉटर्स बाय द प्रीवियस सन. अब इनमें से कौन सा बेटा मरा है? थ्री ग्रैंड डॉटर, ठीक है, कोई भी एक मान लेते हैं. इसकी कितनी है? ग्रैंड डॉटर्स हैं थ्री. सर ये ग्रैंड डॉटर एक अनदर सन होगा जो प्रीडिसीज्ड है. अभी इसमें क्लियर नहीं दे रहा, दो बेटों को छोड़ के गया है, दो जिंदा बेटे हो गए, एंड थ्री ग्रैंड डॉटर बाय द प्रेडिसेंस, ठीक है, एक और बेटा आएगा इसका. ओके, तो ये एक और ऐसा हो गया, इसकी है ये तीन बेटियां, ये हो गया, तो इसके हिस्से बांटने आपको, ठीक है, अब बड़े आसानी से बढ़ जाएंगे. कैलकुलेट द शेयर ऑफ द ग्रैंड डॉटर्स, इनका हिस्सा निकालना है ना. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पहले हिस्से तो एक दो तीन हिस्से तो तीन बेटों पे गए, एक हिस्सा, दो तीन हिस्सा, चार पांच छह सेवन, तो पहला तो सबके पास 1/7 आ गया, ठीक है. दो विडो है, इनपे 1/7 ही जाएगा, 1/7, क्योंकि 7 हो गए ना, पहला हो गया, तीन तो बेटे हो गए, तीन डॉटर हो गई और दो विडो हुई, दो विडो का एक हिस्सा हो गया, दैट इज 1/7 में से ये लेंगे अपना जो भी इनका आएगा, ठीक है. 1/7 इंटू हाफ लगा लेना, कितना होगा? 1/14, और इनका निकालना हमें 1/7, 1/7 का कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा ना, इनका तीन है ना, 1/7 को डिवाइड करेंगे, तीन हिस्से हो गए ना, तो 7×21 1/321, ये डाल देना. एक आ रही क्वेश्चंस, टाइम खराब करते हैं. चलो, ए डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड टू सन, ए मरता है बिहाइंड टू सन, दो बेटे हैं उसके एंड वाइफ, S1 S2 एंड वाइफ, द वाइफ वाज अ प्रेग्नेंट. ओके, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. वाइफ वाज प्रेग्नेंट इन द टाइम ऑफ ए इज डेथ, जब ए की डेथ होती है. Okay, वो प्रेग्नेंट थी. देन द चाइल्ड इन द मदर्स वूम, द चाइल्ड गेव अ बर्थ टू द मेल आफ्टर 7 months ऑफ डेथ, 7 महीने बाद. क्या करेंगे इस बच्चे का? पार्टीशन में हिस्सा रखेंगे नहीं रखेंगे? क्या इसका हिस्सा होगा? सेक्शन 20 अप्लाई हो जाएगा. हाँ जी, इसमें है सेक्शन 20 अप्लाई होगा, चाइल्ड इन मदर्स वूम, ठीक है, राइट ऑफ द चाइल्ड इन मदर वूम, ठीक है. A child who was in the womb at the time of the death of the intestate and who subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate. ठीक है, मानो के भैया उसके मरने से पहले वो पैदा हो चुका था, तो कहीं ना कहीं नॉशनल पार्टीशन की तरह है. Yes, sir. And the inheritance shall be deemed to be vested in such a case with the effect from the date of the birth of the intestate. ठीक है, डेट ऑफ द डेथ ऑफ द इंटरस्टेट, तो इसका राइट होगा. यानी ये एक दो तीन चार हिस्से बनेंगे, वो जो बेटा चाइल्ड इन होम में है उसको भी हिस्सा रखा जाएगा, तो ये बन जाएंगे 1:4 मिलेगा सबको, ठीक है. तो आंसर क्या कहता है? तो चाइल्ड इनहेरिट विद इफेक्टिव फ्रॉम द एज डेथ. ओके, आंसर इज सी, सेक्शन 20 इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के पॉइंट ऑफ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. रूल नंबर 2 अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट इज अ Rule number 2 of 10, क्या कहता है? Order of succession, उसका rule, अच्छा 10 की बात कर रहा है, 10 का तो है हमारा. Surviving son and the daughter and the mother of the intestate shall take each one share.
दोनों ये तीनों एक शेयर लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा बोलते हैं, ठीक है। पर स्ट्राइब क्या होता है, व्हाट इज पर स्ट्राइब और पर कैपिटा, हाँ जी। और वैसे ये लिखा हुआ भी है आपका, ये है सेक्शन 19 में लिखा है। प्रीडिसीज्ड के उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो लेते हैं, तो वो पर स्टर्प में डिवाइड होता है। हाँ जी, देखो सपोज करो ये एक मिस्टर एक्स है, इनके दो बेटे थे एस और पी, ठीक है, इसको एस वन कर लेना, ठीक है, एस वन एंड एस टू। एक्स है, इसका एक बेटा था एस वन और इसका एस टू था, तो ये यहाँ तक जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है ना एस वन और एस टू में, तो ये हो गया पर कैपिटा। बट अगर ये मर चुका है एस टू और इसके दो बेटे हैं, बेटा नंबर वन बेटा नंबर टू, तो इनके पास जो प्रॉपर्टी जा रही है, ये क्या कैसे जा रही है प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे पर स्ट्राइप्स, ठीक है। पर कैपिटा तो यहीं तक हो गई, लेकिन ये तो वन ब्रांच, एक ही ब्रांच, एक पेड़ के दो शाखा है, तो बी वन एंड बी टू, एस टू सी तो आए हैं, तो इनको मिलेगी पर स्ट्राइप्स। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा रूल टू में मिलता है पर कैपिटा। Now, under the Hindu Succession Act, in the case of interstate succession of the male Hindu father is, ये तो class 2 year है. Now, which of the following statement is correct in reference to the Hindu Succession Act? कौन सी गलत है? Sister by uterine blood is not included in the schedule. Daughter's daughter is higher in the class 1. ये क्लास वन में या टू में है? तो सर क्लास वन में है। ने क्या लिखा है? इनकरेक्ट देखना है ना। डॉटर रेफरेंस टू मोल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फीमेल इज हेल्ड बाय हर एज अ फुल ऑनर, सही बात है। ए मोल भी फुल ऑनर होती है, दो बच्चे, तो ये एक बार चेक करिए। डॉटर्स डॉटर डॉटर इज दोनों में है ये, मतलब क्लास वन में भी लिखा है और क्लास टू में भी लिखा है। और सिस्टर बाय द यूट्रिन ब्लड इज नॉट इंक्लूडेड, सिस्टर यूट्रिन तो है ही नहीं, तो यही बच रहा है फिर, इज इनकरेक्ट। दोनों में ये सिस्टर्स डॉटर्स डॉटर इज इन क्लास 1 सर, क्लास 2 में मतलब इनको रिमूव कर देना चाहिए थे, क्योंकि जब इन्हें क्लास 1 ईयर बना दिया है तो, लेकिन वो रिमूव किए नहीं गए नाम, अभी भी क्लास 2 में शो करते हैं। क्लास 2 की 4th एंट्री में नहीं, एंट्री नंबर 3 में 4 23। चलो ये तो तुम्हें देख के जाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, बाकी नहीं तो इसमें एक बार अपना माइंड अप्लाई करना, लॉजिक लगाना। देखो ये क्या है, डॉटर्स भाई, एक मैं हूँ, मेरी डॉटर हो गई, उसकी सर, भी डॉटर, उसकी भी डॉटर, लेकिन तो क्या उसको प्रॉपर्टी जाएगी? ये तो वैसे क्लास 2 ईयर है, 1 ईयर नहीं है वो, ठीक है, जो भी पीछे आंसर देखा है। क्योंकि इसमें प्री डिसीज की बात है, हर एक सिचुएशन शुरू के चार को अगर छोड़ देना, सन डॉटर विडो और मदर, मदर कह रहा हूं सॉरी मदर, द रेस्ट ऑल आर दी समहाउ दे आर प्री डिसीज, ठीक है। अगर हम शुरू के चार को छोड़ दे, बाकी सबके साथ जो वर्ड एसोसिएट हुआ दैट इज अ प्री डिसीज, तो पहले ही मर चुका, उसके बाद जो ये हमने लास्ट 4 भी जो जोड़े हैं वो सारे प्रीडिसीज ही हैं। कहीं ना कहीं मैं वर्ड देखना प्रीडिसीज आ रहा, लेकिन जो हमने अभी बात करी है, ये जो है डॉटर्स डॉटर डॉटर, ये क्लास 1 ईयर में नहीं है, क्लास 2 ईयर में आती है, ठीक है। एक चीज ऐसे भी याद कर लेना इसको, समझ में आई बात? तो क्या बोला आपने? अरे शुरू के तो चार है, सन डॉटर विडो और मदर, ये तो आपको पता ही है, इनको तो मिलता ही है, फादर को नहीं मिलता क्लास 2। उसके बाद जितने भी एंट्री है रिमेनिंग 12, सबको एक बार पढ़िए। सन ऑफ प्रेडिसिस, सन वर्ड आ रहा है बीच में, प्रेडिसिस कॉमन वर्ड आएगा सब में, प्रेडिसिस डॉटर ऑफ प्रेडिसिस सन, सन ऑफ प्रेडिसिस डॉटर, फिर आ गया फोर्थ में डॉटर ऑफ प्रेडिसिस डॉटर, फिर आ गया विडो ऑफ प्रेडिसिस, फिर प्रेडिसिस आ गया, सन ऑफ प्रेडिसिस फिर आ गया बीच में, ठीक है, डॉटर ऑफ प्रेडिसिस फिर आ गया, ठीक है, विडो ऑफ प्रेडिसिस सन फिर आ गया, तो सन ऑफ प्रेडिस लास्ट के चार पढ़ रहा हूँ, सन ऑफ प्रेडिस डॉटर, ठीक है, इतना बड़ा कुछ लिखा है लेकिन ऑलरेडी बीच में प्रेडिस आ गया, डॉटर ऑफ प्रेडिस डॉटर, फिर डॉटर ऑफ प्रेडिस सन ऑफ द प्रेडिस डॉटर। अब इसमें एक बात कॉमन है, जितने भी 12 है सब में प्रेडिस जरूर आ रहा है,
ठीक है लगा लोगे तो लॉजिक सिंपल हो गया सर, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं हो गया कि अगर ऐसे लिख रहे हैं कि वो डॉटर्स डॉटर्स डॉटर यानी कि जो पहले के दो डॉटर डॉटर है वो प्री डिसीज्ड है, क्योंकि अगर वो प्री डिसीज्ड नहीं होगी तो ये थर्ड वाली को तो मिलेगा ही नहीं शेयर। हाँ, और वैसे भी डॉक्टर को मिल जाएगा फिर। आपको ये फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके सर, ओके सर, बस वैसे याद करो, क्योंकि भाई तुम इस चीज को रटोगे तो उससे बढ़िया एक लॉजिक लगा लो, निमोनिक लगा लो कुछ, भाई सब में 12 में प्रेडिसेस आ रहा है बाकियों में नहीं आ रहा है, तो लॉजिक लगा के लगा देना। हाँ अगर उन्होंने ये डॉटर्स डॉटर डॉटर ना लिख के कुछ हिंदी में वर्ड लिख दिया, पोता पोती जो भी ये बैटरी है, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आया, प्रॉब्लम आनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। Now, which of the following is correct under section 10 of the Hindu Succession Act for the surviving son, surviving daughter and the mother of the male intestate? Section 10 for the surviving son, ठीक है, surviving daughter and the mother of the male intestate. So, सबको मिलेगा बराबर का हिस्सा, each will take equal. The rule of distribution of the property of an intestate among the heirs of the class 2 has been provided under of which of the section? Class 2 years की बात किसमें की गई है? That is a distribution की बात है ना, तो आपका 10, 11 में होगी, ठीक है, एक बार याद कर लीजिए, first 8th में है journal, 9 में है order, and then we have 10th में है, 10th और 11 और एक 12, ठीक है, 10th में क्या है? ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं। चलो नाउ अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट अ फीमेल हिंदू इज डिक्लेयर्ड टू बी अ फुल एंड द एब्सोल्यूट ओनर 14 For the application of section 14, Hindu marriage, Hindu succession act, mein, the acquisition of the property by the female Hindu must be, it should be of prior to the act came into the force, after, either prior or after the came into force. ठीक है, answer is C हो जाएगा. Absolute owner हो जाती है, full owner. A हो गया इसका answer. Now section 14 of the Hindu Succession Act applies to movable immovable dono pe apply hoga. General rule of the succession case of the female 15. Under the provision of Hindu Succession Act, any property inherited by the female Hindu from her father, uske father se aaye property. Ye to aapka UP higher mein question aaya tha. UP higher judicial services, theek hai? उसके फादर से आई है, फीमेल के फादर से प्रॉपर्टी आई है, और मदर या फादर से या मदर से शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन, अगर उसका कोई बेटा नहीं है बेटी नहीं है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ द प्रेडिसेस, और ये भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? वापस जाएगी, प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी, किसके पास जाएगी? अपॉन द हेयर्स ऑफ द डिसीज फीमेल हिंदूज फादर, ठीक है, उसके फादर के पास वापिस जाएगी प्रॉपर्टी, अगर फादर जिंदा नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स पे जाएगी फादर के, ठीक है, अगर यहाँ पर हस्बैंड होता तो हस्बैंड पे आप मिलती प्रॉपर्टी क्या? नो सर। हाँ जी, तो फिर अपॉन इयर्स ऑफ हस्बैंड जाती। सर क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है? मेरा कहना है प्रॉपर्टी आई है, कोई एक लेडी है, फीमेल है, ठीक है, फीमेल के पास जो प्रॉपर्टी, जो इसको प्रॉपर्टी कहाँ से आई थी, इसने इनहेरिट करी थी कहाँ से? फ्रॉम हर फादर, इसके फादर से आई थी या मदर से आई हो। अब ये फीमेल मर जाती है, अब ये फीमेल अगर मरती है, इसका ना ही कोई बेटा है ना ही कोई बेटी है, इसका हस्बैंड बचा है, तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? अपॉन दी वापिस चली जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर ये हस्बैंड जिंदा है तो हस्बैंड पे जाती ही नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहां से आई थी प्रॉपर्टी? उसके फादर और मदर की साइड से आई थी। अगर ये इस फीमेल की सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी होती तो कहां जाती? तो हस्बैंड के पास जाती, ठीक है,
चलो इतना ही है। और इसका अगर हस्बैंड भी नहीं है, इसका हस्बैंड नहीं है लेकिन तो ये प्रॉपर्टी इसकी सेल्फ अर्नड है, फीमेल की सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी तो कहां जाएगी? अपॉन हेयर्स ऑफ हस्बैंड। हेयर्स ऑफ हस्बैंड, हां जी, तो लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड, लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड पे जाएगी, तब अब उसके फादर पे नहीं जाएगी, क्योंकि जो फीमेल है अब वो प्रॉपर्टी जो है, हमें ये देखना होता सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है। फीमेल जो है उसके हस्बैंड के साथ उस घर में सर्वाइव करती है, रहती है, तो उसका वहीं पे प्रॉपर्टी जाएगी। ओके चलिए आगे चलते हैं। समझ आ गया होगा सीमा, समझ में आ रहा है? दो यू आर नॉट एबल टू स्पीक, जस्ट टेक्स्ट मी। अपॉन द हेयर्स ऑफ द डिसीज फीमेल, ठीक है, वापस चली जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन डाइंग इन द स्टेट शैल डिवॉल्व फर्स्टली अपॉन, सबसे पहले किसके पास जाएगी? उस सबसे पहले जाएगी उसके बेटे पे जाएगी, डॉटर पे जाएगी, हस्बैंड पे। ये नहीं है तो फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, प्रॉपर्टी आई कहाँ से है। सोर्स अगर उसके फादर की साइड से है, फादर से इनहेरिट करिए, मदर से इनहेरिट करिए, तो वापस फादर मदर पे जाएगी। अगर उसकी सेल्फ अर्नड है, ये तीनों मर गए हैं एक कार दुर्घटना में, सब मर गए, तो प्रॉपर्टी जाएगी। सपोज करो उस फीमेल के नाम पे एक फ्लैट है, उसने ले रखा था उसकी खुद की कमाई से, तो उसके फादर और उसके मदर सरवाइव कर रहे हैं तो वहां नहीं जाएगी, वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? वो हस्बैंड के फादर या मदर या जो भी सरवाइव कर रहे होंगे वहां जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। और अगर हस्बैंड के हेयर्स नहीं है तब फादर और मदर पर जाएगी? हाँ, क्योंकि फिर तो ये देखेंगे ना यहाँ हस्बैंड के पास कौन कौन है, हस्बैंड के अगर जो नहीं है लीगल हेयर्स, तो फिर वो वापिस जाएगी। अगर कोई नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट डिस्चार्ज कर लेगी। इसमें ये जो हस्बैंड वर्ड लिखा है, ये हस्बैंड किस कैटेगरी में, मतलब ये आएगा क्लास वन हेयर में? हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये इसके स्पेशल रूल है। अच्छा, इसके स्पेशल रूल है, उन्हीं को याद करिए, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से याद रखिए। थोड़ी देर के लिए बेरेट वेरेट को भूल जाइए, सिर्फ क्लास वन और क्लास टू हेयर को याद करना, बट फॉर दी वुमेन पर्पस वी हैव अ डिफरेंट रूल्स। ओके, 16 है ना, 15 16 वो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, वो उस हिसाब से डिवॉल्व होती है। जैसे यहाँ लिखा ना 15 का 2, 15 का जो 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था आपका इसका यूपी हायर जुडिशियल सर्विस, सबने गलत किया था, पूरी सबने, जितने मैक्सिमम बच्चे थे सबने, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि बेरेट को रटते हैं, रटना नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझो ना। द प्रॉपर्टी दैट अ फीमेल हिंदू इनहेरिट्स फ्रॉम हर फादर, The property that a female Hindu inherits from her father or mother is included in which provision of the Hindu Succession Act? तो ये किस में लिखा है? ये वापस चली जाती है 2 में, 2B में, ठीक है? अभी जो आपने पूछा ना वो यही आंसर है, 15 2B में। 15 2A. Now, if a woman who has inherited property from her mother dies without children, ठीक है, then the property devolve on, उसका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, द वुमेन हु हैज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हर मदर, मदर की साइड से आई वापस जाएगी, द हेयर्स ऑफ हर फादर, ठीक है, फादर के पास चली जाएगी, हस्बैंड पे नहीं जाएगी, मैटरनल ग्रैंडफादर पे भी नहीं जा रही है, हेयर ऑफ अ मदर इन लॉ, मदर इन लॉ पे नहीं जाएगी, ठीक है। नाउ लॉ कमीशन रिपोर्ट हैज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन 15 In case of a female dies in succession, leaving herself acquired property with no heirs, that was 2007. अच्छा, इससे पहले हमने एक और लॉ कमीशन की रिपोर्ट की बात करी थी, कौन सी लॉ रिपोर्ट थी वो? 174th. 170 नहीं, 71st. So, फिर दूसरी है, 71. ये तो सर फिर वो है, म्यूचुअल See, under Section 20 of Hindu Succession Act, the right of the child born in justo matrimonio, इसका मतलब क्या होता है? Moment of the conception, ठीक है? बहुत कम मिलेगा ये आपको, लेकिन फिर भी moment of conception, क्योंकि already वो conceive बच्चा था, तो child in the mother womb का उसका right होता है, अगर वो birth लेता है alive, तो उसका right हो जाएगा Section 20 में, तो ये हो गया इसका answer. The provisions of the which section of Hindu succession deal with the presumption in case of the simultaneous death. अगर एक कार दुर्घटना में दोनों भाई मर गए हैं तो ये कौन सा माना जाएगा कि पहला कौन बड़ा मरा छोटा मरा? बड़ा माना जाएगा, पहले बड़ा मरा।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, या दैट मीन यंगर सर्वाइव कर गया होगा, ठीक है, प्रेजम्पशन है, बट ये प्रेजम्पशन कैसी है, इज इट अ रिबटेबल और नॉट? यस सर, रिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ सर, ये फैक्ट होगी ना, प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है, लॉ लॉ, ये कानून है ना, शेल, कानून बना रखा है ना, तो कानून को रिबट लगा करना हुआ है। है ना सर, सर हाँ जी, लेकिन ये एक वैसे फैक्ट होना को तो फैक्ट प्रेजेंट है, आप कर लेना बिल्कुल ठीक ये, सोच रहे हैं, लेकिन ये कानून बन गया है, अगर ये कानून नहीं होता तो प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट रहता कि इस बात को सिद्ध किया जाए, अब आप कानून को रिबट कर रहे हैं कि ये तो लॉ है ना, लॉ मान के चल रहा है कि भाई यहाँ जो छोटा वाला है वो सरवाइव कर गया, वो इस बात को खंडित करना था, प्रेजम्पशन ऑफ रिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है। A ओके presumption in case of the simultaneous death under the section 21 is that the younger survived the elder. ठीक है, answer is A. कौन सा section है? 21. Section 23 and 24 of Hindu succession has been omitted by the which amendment 2005? कितना लंबा concept हम already कर चुके हैं, तो मैं repeat नहीं कर रहा हूँ। Dwelling house की बात करता है, partition की बात करता है, आज के time में partition भी मांग सकती है, dwelling house में भी रह सकती है। Now, which provision of the Hindu Succession Act disqualified a Hindu to inherit of the person who is convicted of the murder? क्या मर्डरर को प्रॉपर्टी मिलेगी? एक तो मर्डर कर रहा है, नहीं तो हर इंसान मर्डर के लिए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए मर्डर कर देगा। आंसर इज सी, डिस्क्वालिफाइड। अब कुछ ऐसे प्रोविजन लास्ट में दे रखे हैं जो जो लोग डिस्क्वालिफाइड हैं। क्यों डिस्क्वालिफाइड है? आपने कन्वर्जन कर लिया है, वो भी हम बात करेंगे। A person is not disqualified for the succeeding to any property on the ground of the disease. बीमारी की वजह से disqualified थोड़ी ना होगा, ठीक है, ना ही कोई defect और deformity की वजह से होगा। ये कहाँ लिखा है? ये section 28 में है। एक बार दिमाग पे focus डालिए, कुछ disqualification की बात करते हैं जल्दी से। Child in mother womb, section 20 important रहेगा। Simultaneous death 21। अभी इसको 22 को hold पे डालते हैं, ठीक है? ये prevention, अगर कोई इंसान अपनी property देख नहीं चाहता है तो पहले वो अपने भाई को ही ऑप्शन देगा, इस तरीके की बातें हैं। दैट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। 23 में हमने पढ़ लिया, आई मीन ड्वेलिंग हाउस वाली बात। फिर आता है कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है। डिस्क्वालिफाइड है मर्डरर 25, मर्डरर 25, ठीक है। 26 अभी हम करते हैं कन्वर्जन को लेकर डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। सक्सेशन व्हेन heirs disqualified, if of any person is disqualified in inheriting any property under this act, it shall devolve as if such person had died before the intestate, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, मान के चलेंगे पहले ही मर चुका था। तो 25, 26, 27 ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। एंड डिसीज वाली हमने भी बात कर ली, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा अगर बीमारी की वजह से या किसी भी डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी की वजह से, that person will not be disqualified. ओके, चलिए आगे चलते हैं। और अगर कोई लीगल एयर नहीं मिल रहा तो 29 में एस्चीट हो जाती है, एस्चीट ऑफ द प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ले लेगी प्रॉपर्टी को। नाउ विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सक्सेशन एक्ट ट्रीट्स एग्नेट्स एंड कॉग्नेट इन द मेल एंड द फीमेल एयर्स इक्वली, ट्रीट्स एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स एंड मेल एंड फीमेल एयर्स इक्वली, कहां लिखा है? Section 27A. If any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall devolve as if the such person had died before the intestate. Sir, Indian Succession Act 1925. ये थोड़ी problem है, चलो ये हमारे भी काम का नहीं है। फिर भी for the purpose of इसके हिसाब से याद कर लेना, वो यहाँ की बात नहीं कर रहा। Section 27 has just thought effort. Now, Hindu dies intestate, अगर कोई वो बिगर वसीयत के मरता है, leaving a son and two daughter, his property was partitioned. Whether each of the successor is entitled to inherit his or her share without the consent of the other, बिल्कुल कर सकता है। Now, consider the following, a Hindu, एक बार हम section 26 पे भी बात करेंगे, वो important है, वहां से question घुमा के आते हैं, अब इस पे मैं बात करूंगा, conversion पे। A Hindu widow who had inherited property from her father-in-law dies issueless, that property shall devolve upon किस पे जाएगी? दोबारा पढ़ते हैं। A Hindu widow who had inherited property from her father-in-law, ठीक है, dies issueless state, father-in-law से आई है, that the property shall devolve upon, उसके father पे
उसके हस्बैंड पे ही चली जाएगी अगर वो कोई जिंदा है। तो अपॉन हिंदू लॉ अ कर्ता ऑफ द फैमिली कैन एलिनेट द प्रॉपर्टी, आंसर इज यस, बट लीगल नेसेसिटी होनी चाहिए। अब ये है ना मेन से कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसमें कई सारे प्रॉपर्टी हमें चीजें पढ़नी पड़ती है, व्हाट इज द जॉइंट इन टू फैमिली, कर्ता के क्या पावर है, कर्ता कब प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेलरेशन क्या होती है, जॉइंट फैमिली से अगर आपने जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को बेच कर आपने अपनी अपने आप को एजुकेट किया है, आप अर्न करने लग गए अच्छा, तो क्या आपकी जो इनकम है उस पर जॉइंट फैमिली का अधिकार है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन मीन्स के हैं, ठीक है। या जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रॉफिट होने लगा, तो क्या उससे जो इनकम आ रही है वो किसकी होगी, जॉइंट फैमिली की होगी या उस इंसान की होगी, सर पर्सन की, उसमें स्किल्स, स्किल की बात अलग है, लेकिन एक और एक एक्ट भी आ चुका था, ठीक है, वो सारी बातें मेंस की है, डिटेल में करने वाली, अभी इसमें डिस्कस नहीं हो सकती। वो पर्सनल स्किल जहां पर यूज हो, एक चीज ध्यान रख लेना, पर्सनल स्किल की वजह से जो कमा रहा है, माना कि उसने जॉइंट फैमिली से कुछ प्रॉपर्टी लेकर अपने पे लगाई तो भी उसकी पर्सनल इनकम ही होगी वो, क्योंकि उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन अगर उसने प्रॉपर्टी ली, एक प्रॉपर्टी को बेचा और उस पर फिर बड़ा प्रॉपर्टी कर दिया, या उसने अब प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी लेके अपने ही खाली प्लॉट में मकान बना लिया, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, फिर वो जॉइंट फैमिली होगी वो। अब ये कुछ बेसिक बातें हैं, बाद में करेंगे इन सब चीजों को। कर्ता कैन एलिनेट द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बिल्कुल कर सकता, आपातकाल इमरजेंसी में, कुटुंब भरते और धर्मार्थे, तो सब में कर सकता है। एलिनेशन बाय द कर्ता विदाउट लीगल नेसेसिटी और द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, उसमें को पार्टनर जो होंगे वो चैलेंज कर सकते हैं, अवॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है। तो एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से परमिशन थोड़ी ना चाहिए प्रॉपर्टी को एलिनेट करने के लिए, तो ये वैलिड होता है, एलिनेशन विदाउट द परमिशन वैलिड होगा। कर्ता ऑफ द जॉइंट फैमिली इज द जनरली फादर है, लेकिन आज के टाइम में तो इवन अ वो विद्यार्थी, श्रेया विद्यार्थी केस में, इवन अ वुमन कैन बी अ कर्ता। Failure of the one branch of the family to the question the validity of alienation in a suit would bar the right of the other, would not bar the other of the branch, may or may not bar. ठीक है, the failure of the one branch of the family to question the validity of alienation, अगर एक कोई legal heirs जो है को person नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि सारे barred हो जाएंगे, would not bar the other. Objection तो कर ही सकते हैं वो। Section 30 of Hindu Succession Act जो will की बात करता है, authorize a Hindu to dispose of by will his self-acquired property की बना सकता है, undivided share in the Mitakshra property, undivided का भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, याद रखिएगा, सी आंसर होगा, अपनी property की तो बना ही सकता है उसे, अरे undivided जिसमें भी उसका share नहीं मिला है, लेकिन उसे पता है कि वो मुझे मिल सकता है, तो उसकी वसीयत तो बना सकता है, माना कि वो alienate नहीं कर सकता section 6A में, section 6A नहीं है TPA, yes sir, सक्सेशन में नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं बेच सकता जो मुझे मिली नहीं है, लेकिन मैं उसकी वसीयत तो बना सकता हूं, ठीक है। नाउ प्रेजम्पशन दैट द यंगर सर्वाइव द एल्डर्स 21 में, इट इज अ कैसा प्रेजम्पशन है, ये आ गया क्वेश्चन, इट इज अ रिवर्टेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, आंसर इज सी, रिवर्टेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है, कानून है ये सेक्शन 21 में। If an interstate has left no legal heir qualified to succeed to his or her property, such property shall devolve upon the, किस पे सरकार पे चली जाएगी, section 29 में एस्टेट हो जाएगी। एक section और कर लेते हैं थोड़ा सा, section 26 important भी है। अगर कोई इंसान convert करता है तो वो disqualified हो जाएगा yes, property से, No. नहीं होता है, गलत पढ़ते हैं, पढ़ते ही बच्चे गलत हैं, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होता है, ये ध्यान रखना, कौन डिस्क्वालिफाइड होता है वो याद रखना। एक इंसान ने तो, अरे सुनो तो सही, अब आपने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुनिए। देखो ए और बी दो ब्रदर है, ये अगर डिस्क्वालिफाइड, ये अगर कन्वर्ट कर गया है इस्लाम में, तो क्या इसको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, बड़ा बड़ा यस है, ठीक है। किसको नहीं मिलती वो याद रख लेना आप, किसको नहीं मिलेगी, बी ने जब कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में,
जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गया बी, अब इसके बच्चे होते हैं, बी के जो बच्चे होंगे, बी के बच्चे होंगे, बी के बच्चों ने जन्म लिया एक्स और वाई में, क्या ये क्वालिफाइड करेंगे प्रॉपर्टी में, राइट होगा इनका? नो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये एज अ मुस्लिम पैदा हुआ, गॉट इट, ये डिस्क्वालिफाइड होते हैं। बट ए और बी दो भाई थे, बी ने ऑलरेडी, इसके दो बच्चे थे एक्स और वाई, इसके ऑलरेडी दो बच्चे थे, ऑलरेडी दो बच्चे थे, इसने दो बच्चे, इसके सपोज करो 2001 में दो बच्चे हुए इसके, 2010 में बी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में, ही एम्ब्रेसेस द इस्लाम, इस्लाम को इसने एम्ब्रेस किया। अब इसके जो ये बच्चे हैं एक्स वाई, क्या ये डिस्क्वालिफाइड हैं? नो, द आंसर इज नो, यही है, रट लो, लिख लो, क्यों? क्योंकि जब ये बच्चे पैदा हुए थे, ये हिंदू बच्चे पैदा हुए थे, तो दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड कौन होता? वो इंसान होता है जो कन्वर्जन के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं। ये जो इन बी है ये कभी डिस्क्वालिफाइड नहीं होता है कन्वर्जन से। अब आप बेल्ट को घुमा के पढ़ो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अगर बी की डेथ हो जाती है तो फिर तब जो ये बाद में बच्चे पैदा हुए हैं उसको मिलेगा? उनको बी की डेथ होने के बाद बच्चे कौन को पैदा करेगा? नहीं मतलब जैसे अगर सक्सेशन ही बाद में हो रहा है ठीक है, बच्चे का बर्थ बाद में मिल रही है बी को प्रॉपर्टी, और वो पहले वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसके पिताजी की प्रॉपर्टीज पे डिवॉल्व हुई, लेकिन जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई उस दौरान नहीं नहीं ठीक है लेकिन हर्ष ना ये जो हम सक्सेशन की बात भी कर रहे हैं ना, ये तभी कर रहे हैं जब बी मर जाता है, वरना फिर वो बी को ही शेयर मिलेगा ना उनके एयर्स को, तो तभी जाता है ना जब वो मरता है। ये बंदा तो अगर वो मर गया तो उसका शेयर फिर डिवॉल्व होगा एक्स एंड वाई पे? एक्स एंड वाई पर होगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर नहीं होगा, आफ्टर कन्वर्जन जो हो रहा है, कन्वर्जन के बाद जो बच्चे पैदा होंगे। अच्छा सपोज करो ये बी कन्वर्ट करा था, देखो हाँ सही है आपका क्वेश्चन, बी है, बी के कन्वर्जन से पहले दो बच्चे थे, कन्वर्ट होने के बाद इसको जेड और हो गया, हाँ ये तो जेड को मिलेगा? जेड को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, जेड को कुछ नहीं मिलेगा, डिस्क्वालिफाइड है ना। इसका बर्थ कब हो रहा है? आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ बी, मुस्लिम पैदा हो रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बी जो है उसके दो बच्चे हो गए आफ्टर कन्वर्जन, दो बच्चे हुए एक्स एंड वाई जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, तो लेकिन ये जो प्रॉपर्टी जो बी के पास जो आई है वो आफ्टर कन्वर्जन आई है, ठीक है, लेकिन उस दौरान उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो शेयर है वो वापस ए के पास ही चला जाएगा, क्योंकि बच्चे तो कन्वर्जन के बाद हुए। बी के पास प्रॉपर्टी आ गई थी, बी जो है बी के पास प्रॉपर्टी आ गई थी, क्योंकि वो उसके पास आएगी कन्वर्जन से, बी का राइट थोड़ी ना डिफीट होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों का बर्थ हुआ है एक्स और वाई का, अब कह रहे हैं कन्वर्जन के बाद बी के पास तो प्रॉपर्टी आ गई थी, लेकिन अब जो है एक्स और वाई के पास इसका बर्थ हुआ, एक्स और वाई का बर्थ हुआ आफ्टर द कन्वर्जन, और बी के पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी आ चुकी थी, प्रॉपर्टी ऑलरेडी आ इसलिए चुकी थी क्योंकि पहले ही उसका जो फादर था बी का वो मर चुका था, बी का फादर मरा, प्रॉपर्टी सक्सेशन की तरफ से गई तो ऑलरेडी बी के पास आ गई थी, अब तो प्रॉपर्टी एक्स और वाई को तो वैसे भी मिल जाएगी। नहीं हाँ वो तो अगर मिल गई थी तो मिलेगी एक्स एंड वाई को, लेकिन अगर नहीं मिली थी तो नहीं मिली तो एक्स और वाई को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ यही मेरा क्वेश्चन था, तो वो वापस एक ही चला जाएगा उसका शेयर, मतलब जो भी होगा, जब उसको मिली नहीं तो, जब बी को ही नहीं मिली तो एक्स वाई को कैसे चली जाएगी प्रॉपर्टी? अच्छा ठीक है, जब बी को ही नहीं मिली प्रॉपर्टी तो एक्स वाई को कैसे चली जाएगी, मतलब ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पूरा, ये सेक्शन 26 पढ़ो, कन्वर्जन कन्वर्ट्स डिस्केंडेंट डिस्क्वालिफाइड, डिस्केंडेंट डिस्क्वालिफाइड हो रहे हैं, डिस्केंडेंट कौन है? बी के जो बच्चे हैं। वेयर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट आने के बाद अ हिंदू हैज सीज्ड और सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, वेयर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, पहले की तो बात छोड़ ही दो, अब आता है इस एक्ट आने के बाद अगर कोई हिंदू हिंदू नहीं रहा, has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, child born to him, child बच्चे कब पैदा हो रहे हैं? After the conversion or her after such conversion and their descendants,
ठीक है, चाइल्ड बॉर्न टू हिम और आफ्टर सच कन्वर्जन एंड देयर डिस्केंडेंट. डिस्केंडेंट कौन होते हैं? बच्चे. अब किसके बच्चे की बात कर रहा है ये? जो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट हो गया है, ये तो पहले ही कन्वर्जन है ना. अगर इसके भी जो बच्चे होंगे ना एक्स और वाई के, वो भी पोता पोती भी, शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ हिंदू रिलेटिव. अब वो प्रॉपर्टी में इनहेरिट नहीं करेंगे, ठीक है, अनलेस द चिल्ड्रन और डिस्केंडेंट आर हिंदूज. आ गई ना ये वाली बात, जब वो ये वाली सिचुएशन, डिस्केंडेंट आर हिंदूज एट द टाइम व्हेन द सक्सेशन ओपन. जब सक्सेशन खुला था तब वो हिंदू थे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. यानी कि अगर इन्होंने, अगर वाई एक्स एंड वाई ने दोबारा से अगर कन्वर्जन हिंदू में कर लिया तो मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ, अगर सक्सेशन हाँ. हो रहा है, अगर वो कन्वर्टेड है तो मिल जाएगी, क्योंकि वो हिंदू हो गए ना. यस ठीक है, वो हिंदू होने चाहिए ना, कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए. हाँ जी यामिनी, एनी डाउट? नो सर, डाउट तो मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए इररिलेवेंट है. हाँ मेंस की तो तैयारी हमारी, देखो मैंने एक चीज देखी थी, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने बहुत सी चीज देखी. चलो मैं ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा कुछ बातें, ठीक है? चलो अभी तो इसको खत्म करते हैं, आज का लेक्चर खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ, ज्यादा नहीं है पोर्शन, कल खत्म हो जाएगा. मैं कल आपको केस लॉज भी बता दूंगा, ठीक है? कल केस लॉज किस किस पे ध्यान रख लेना. चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है? बाकी अपनी तैयारी करते रहिए.